घाटी में आज जो शांति का माहौल बना है वो इनकी दिन रात की कोशिशों और मेहनत का नतीजा है। कर्नल आनंद विराज के जाने से पहले उस इलाके को लोग मौत की घाटी के नाम से पुकारते थे, मगर उनके पहुंचने के बाद वो हजारों लोग जो आतंक के डर से घर बार छोड़कर चले गए थे, दोबारा आकर उन्होंने वहां बसना शुरू कर दिया है। 2 साल के इस छोटे से अरसे में 20,000 से भी अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और गिनती के कुछ लोग जो बच गए हैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए इधर उधर भागते फिर रहे हैं। शांति का माहौल बनाने के लिए सरकार कर्नल आनंद विराज को शांति चक्र से सम्मानित करती है। ये था हम समर्पित जंगियों का तोहफा। ये भेंट हम तुम्हें पहले भी दे सकते थे, मगर हम उस दिन का इंतजार कर रहे थे जिस दिन तुम अपने बहादुर कर्नल विराज को शांति चक्र से सम्मानित करोगे। उसी दिन हम उसे तुम लोगों के सामने हमेशा हमेशा के लिए शांत कर देंगे। ये हमारा प्रण है कि हर उस अफसर को जिसको तुम्हारी सरकार हमारे इलाके में भेजेगी, हम उसके साथ में यही सलूक करेंगे और शायद इससे भी बदतर। हम आजाद हैं और हम अपनी आजादी की जंग उस दिन तक लड़ते रहेंगे जब तक सारी दुनिया की नजरों में हम आजाद न कहलाएं। हम तुम्हें 1 महीने का वक्त देते हैं। हमारे इलाके में तुमने जो अपना आर्मी बेस बनाया है वो हट जाना चाहिए। तुम्हारी सरकार ने अगर हमारी शर्त न मानी तो हर वो शख्स जो हमारे इलाके में तुम्हारी सरकार का हमदर्द है उसे नरक पहुंचा दिया जाएगा और तुम्हारे मुल्क को वो तोहफा दिया जाएगा कि आने वाली नस्लें कभी भुला नहीं पाएगी। 1 महीना, सिर्फ 1 महीना। क्या करें इस पागल आदमी का, हमारे देश की एकता और अखंडता का सबसे बड़ा दुश्मन है ये। जब तक ये गिरफ्तार नहीं हो जाता इस इलाके में तो क्या हमारे देश के किसी भी इलाके में शांति नहीं बनी रह सकती। सर, उसे गिरफ्तार करने के लिए हमारी पूरी कोशिश तो जारी है। जानता हूं, मगर कोशिश करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। 1 महीने बाद वो न जाने कैसा धमाका करेगा। बरसों की मेहनत के बाद हमने अपने विदेशी दोस्तों से न्यूक्लियर बम हासिल किया है। अब इसका इस्तेमाल छोटे छोटे मेरे भाई, हम तुमको एक बहुत बड़ा मिशन सौंपने जा रहे हैं। यूं समझ लो कि आज तक हमने जो कुछ भी किया है वो कुछ नहीं है। ये बम लेकर तुम रूपनगर जाओगे और हमारे सिग्नल का इंतजार करोगे। 1 महीने तक अगर इन कुत्तों ने हमारी शर्तों को नहीं माना तो तुम इस बॉम्ब का धमाका करोगे जिसकी आवाज सारी दुनिया में गूंजेगी और इस मुल्क की आने वाली नस्लें कभी इस तबाही को भुला नहीं पाएंगी। आप सब ये जानते होंगे कि आज हमारे स्कूल में कौन आ रहा है। सर, हमारा कैलकुलेशन कहता है कि मंत्री महोदय आ रहे हैं। राइट। और आप सब ये भी जानते होंगे कि उन्होंने हमारे स्कूल को कितना डोनेशन, यस सर, मुझे पूरा बोल तो लेने दो, पहले थी, यस सर, कितना डोनेशन देने का ऐलान किया है। सर, 25 लाख। और आप सब ये भी जानते होंगे
कि उस 25 लाख रुपए पर हमारे स्टूडेंट पानी फेर सकते हैं? यस सर। स्कूल और स्टूडेंट की तारीफ में तो मैंने जमीन आसमान एक कर दिया। डिसिप्लिन के बारे में यहां तक कह दिया कि अगर हमारी स्कूल में एक छोटी सी सुई भी गिरती है तो उसकी आवाज बाहर तक जाती है, इसको रहने दो। इतना झूठ बोला है कि अब तक मेरी जबान चल रही है। मेरे एक बात कान खोलकर सुन लीजिए आप लोग। यस सर। अगर मंत्री जी के सामने जरा सी भी गड़बड़ हुई तो 25 लाख रुपए तो गए हाथ से, मगर उसका असर आपकी सैलरी भी पड़ सकता है। खांसी बंद। इसलिए आप लोग अपने स्टूडेंट को अच्छी तरह समझा दीजिए कि जब झंडा वंदन के समय नेशनल एंथम का रिकॉर्ड बजेगा तो सब सांस रोककर सिर्फ झंडे को सलामी दें। अटैक! वाली तेरा नाम तो बता, ओ काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता, नाम तो बता तेरा, नाम तो बता तेरा, नाम तो बता। ये कैसे? केमिस्ट्री में ऑक्सीजन सबसे आसान। केलो थ्री। अरे सर कहाँ है? सर कहाँ है? अच्छी सिगरेट। गुड मॉर्निंग सर। किस बात का गुड मॉर्निंग? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सुबह 9 बजे मेरे ऑफिस में आने के लिए कहा था ना। सर आपके ऑफिस में तो खड़े हैं सर। मेरा ऑफिस है सर? पता नहीं आज सवेरे सवेरे आपका ऑफिस फर्स्ट फ्लोर से किसी ने गार्डन में शिफ्ट कर दिया। मेरा ऑफिस गार्डन में? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आज ही नया वीआईपी कौन आ गया है हमारे स्कूल में? ये कोई वीआईपी नहीं, हमारे स्कूल का टीचर है। टीचर है तो इसका इतना स्वागत क्यों किया जा रहा है यार? क्या पता, देख लेना प्रिंसिपल साहब इसकी तारीफ में जमीन आसमान एक कर देंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, इस वक्त जो हस्ती आपके सामने खड़ी है उस हस्ती का नाम है अजय सक्सेना। ये बहुत महान इंसान है। इनकी इंसानियत की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। जब ये खुद स्टूडेंट थे तो दुनिया इन्हें इंसानियत का नमूना कहती थी। अगर इन्होंने ज्यादा तालीम हासिल की होती तो ये साइंटिस्ट हो सकते थे, इंजीनियर हो सकते थे, एक महान कवि हो सकते थे। मगर मेरी नजर में एक टीचर होना सबसे ज्यादा महान है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये इसी स्कूल के स्टूडेंट, और आज इसी स्कूल के स्टूडेंट को पढ़ाने आए। इनके दिल में स्टूडेंट के लिए कितना जज्बा है, स्टूडेंट के लिए कितना प्यार है, स्टूडेंट के लिए कितनी मोहब्बत है, इसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। सर, अब माला में भी ज्यादा फूल नहीं है। हाँ रो तो ऐसा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। ये क्या सर, आप हम लोगों पर शक कर रहे हैं? ये तो हमारी बेइज्जती है सर। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, दिस इज न्यूटन्स लॉ। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं भी अपने टीचर्स को किसी ना किसी तरह तंग किया करता था, तो मैंने सोचा कहीं तुम लोग भी मेरे साथ वही ना करो, इसलिए मैं अपनी तसल्ली कर रहा था। कुर्सी की टांगे तोड़कर टीचर को गिराने का तरीका तो बहुत पुराना हो गया है सर। आजकल तो ये सब केजी में होता है, हम लोगों का लेवल तो कुछ और है सर। इसका मतलब तुम लोगों ने मेरे लिए
कुछ और सोच रखा है? ये क्या सर, आप तो पहले से ही डर गए। घबराइए मत, बैठ जाइए। थैंक्स। प्रिंसिपल साहब ने तुम लोगों को मेरे बारे में बता ही दिया होगा, अब मैं तुम लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? आप ही का नाम है सर, अजय। गुड, फिर तो तुम काफी होशियार होगे। हाँ हाँ, बाकी सब मामलों में, सिर्फ पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कमजोर हूँ। नेक्स्ट। पांडे, चंकी पांडे। चंकी। नेक्स्ट। गोविंदा सर। गोविंदा। नेक्स्ट। शिल्पा। तुम लोगों के नाम सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्लासरूम में नहीं सिनेमा घर में बैठा हूँ। चलो लेट्स कम टू द पॉइंट। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। आई एम सॉरी, ये मेरा पीरियड है। आपको गलतफहमी हुई है, टाइम टेबल के हिसाब से मेरी क्लास है। लगता है आप आज ही नए नए आए हैं। हो सकता है आपको जो टाइम टेबल मिला है उसमें कोई प्रिंटिंग प्रॉब्लम हो, मगर आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए, ये इंग्लिश पीरियड है। क्यों अजय? हाँ सर, हमारे टाइम टेबल के हिसाब से भी ये इंग्लिश पीरियड ही है। मगर मुझे लगता है टाइम टेबल कुछ बदल गया है। अच्छा होगा अगर आप ऑफिस जाकर चेक कर लें। क्या कहा आपने, मैं जाकर चेक करूं? देखिए, मैं स्कूल में पिछले 3 साल से पढ़ा रही हूं और आप आज ही आए हैं। मैं सीनियर हूं और आप जूनियर, इसलिए आप जाकर चेक कीजिए। मगर प्रिंसिपल साहब ने। प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। एक्सक्यूज मी, आपका नाम? जया। सॉरी जया जी, सॉरी स्टूडेंट्स। इट्स ओके सर, इट्स ओके। अजय बाबू, हमारा कैलकुलेशन कहता है कि आप जिस क्लास में गए थे वो क्लास भी करेक्ट थी और आपका पीरियड भी करेक्ट था। फिर वो टीचर कौन थी? टीचर नहीं जया, स्टूडेंट। स्टूडेंट? बहुत ही नॉटी स्टूडेंट। हॉस्टल में रहती है, पढ़ाई लिखाई में नंबर वन, खेल कूद में नंबर वन और रैगिंग में भी नंबर वन। अरे टीचर को क्लास से निकाल देती है। अच्छे बाबू। जब तुम लोगों ने कहा था कि तुम लोगों का लेवल कुछ और है, मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था, धोखा खा गया। खैर, तुम लोगों में से जया कौन है? गुड मॉर्निंग सर, एंड आई एम सॉरी। गेट अप, तुम्हें बैठने के लिए किसने कहा? और सॉरी बोल देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या सोचकर तुमने यह हरकत की, बोलो। आप ही ने तो कहा था सर, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स लॉ। अपने आप को बहुत होशियार और अकलमंद समझती हो। मुझे पता है तुम पढ़ाई लिखाई खेलकूद बाकी सब चीजों में नंबर वन हो, मगर डिसिप्लिन में वर्स्ट हो। बस यही एक बुराई है जो तुम्हारी सारी खूबियों को ढकने के लिए काफी है। गलती हो गई सर, मगर इन सब ने मुझसे ये शर्त लगाई थी कि मैं नए टीचर को बेवकूफ नहीं बना सकती, इसीलिए मैंने। हम हिंदुस्तानी और अंग्रेजों के बीच में सिर्फ यही एक फर्क है, अगर उन्हें कांटा चुभ जाए तो वो कहेंगे आई स्टेप्ड ऑन द थॉर्न, मेरा पैर कांटे पर पड़ गया, और इसी बात को हम हिंदुस्तानी कहेंगे कांटा मुझे चुभ गया, जैसे कि कांटा खुद चलकर आया हो और पैरों में चुभ गया। तुम अपनी गलती दूसरे पर थोप रही हो। वाह सर, क्या मिसाल दी है, सीधी दिल में चुभ गई। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? नहीं सर, ये तो आपकी तारीफ कर रही है। शरप शरप। अजय, हमार बचपन का दोस्त, कैसे है रे तू, कैसे है? अरे ये आके फाड़ फाड़ के कहा देखत हो, हमका पहचाना नहीं, हम तुहार बचपन का दोस्त है शगुन। अरे जया, ये जो हमारा नया टीचर आया है ना, ये हमार बचपन का आऊ है। कहा है आऊ। एक है क्लास में हम दोनों पढ़त रहे, लेकिन वो कहा है कि हम फेविकोल की तरह यहाँ चिपक के रह गए, और ये सुसरा पढ़त पढ़त आज हमारे टीचर बनकर यही है गवा। शगुन अपनी जगह पर जा। अरे हमका बोलने दे, का बोलने पे इनकम टैक्स है का? अरे तुम लोग जाना तो एक दिन कहा हुआ, कहा हुआ? ई लड़कियन को छेड़ने के इरादे से ऊ का पास गया, लेकिन मामला उल्टा, लड़कियन ने एक का छेड़ के एक को वापस भेज दिया। शगुन, शगुन। अरे जाना तो क्यों? क्योंकि ऊ बखत ई बहुत आऊ था। कहा था आऊ। शगुन, कुछ दिमाग नाम की चीज है या नहीं? मैं यहाँ का टीचर हूँ और तुम मेरा स्टूडेंट, इज्जत तो तमीज से बात करो। अच्छा, बचपन में तो बहुत बड़ी बड़ी बात करत रहे कि तू हमार दोस्त है, हमार जान है तू, हम तुहार लिए कुछ भी कर सकत है, और आज हमका तमीज और इज्जत सिखावत हो। शट अप, अपनी जगह पर बैठो, बैठो वहां। अपनी जगह जाके बैठो वहां। हाँ।
जायत है, तू कही तो हम जायत है, लेकिन हमका तुझसे ये उम्मीद ना ही थी। अरे भूल गया वो दिन जब स्कूल के बाद चने खाकर घर को जाया करता था। अरे गुल्ली डंडा कंचे पतंग का साथ था हमार, और ये एक ही झटके में सब कुछ तोड़ दियो। छोड़ो मामा, शांत हो जाओ। अरे कैसे छोड़ू भांजा, हमार दिल दिखवाया। आज मैं तुम लोगों को लिटरेचर में एक, तुम खड़ी क्यों हो गई? बेल सर। बैठ जाओ, कोई बात नहीं, आज पहला दिन है, कम से कम एक लाइन तो पढ़ाऊंगा, बैठ जाओ। सर, गेम्स पीरियड। जया, गर्ल्स बॉयज, अरे हटिए बाबा, ऊंचाई तक हाथ गाड़ी मैं पहुंचा देता। नहीं बेटे, तुम जरा पीछे से धक्का दे दो बस। अरे आइए आइए, ये जवानों का काम है, आइए आइए। लीजिए, आप जिद करते हैं तो। जो नए आए हुए टीचर को तुम जरूरत से ज्यादा ही तंग करती हो। हाँ, करना ही पड़ेगा ना। Do you want any help? No, thank you. ये तुम लोग बाहर क्यों घूम रही हो? अरे स्कूल में छुट्टी हो तो हॉस्टल में बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए। क्यों पढ़ाई करो? Take care, sir. Bye. Thank you. Good morning, sir. Good morning. Thank you. Hey, hey. मुझे मालूम है ये खूबसूरत पेंटिंग किसने बनाई है, लेकिन आज बेकार की बातों में बहस करके मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। अपनी किताब देना। ये लीजिए सर। मुझे तुम्हारी किताब नहीं चाहिए। तू बैठ। मेरी किताब में कोई नुक्स है सर? बस नहीं चाहिए, कह दिया ना। आप हरी क्लास में मेरी इंसल्ट कर रहे सर, आपको वजह बतानी होगी। आखिर आपको मेरी किताब क्यों नहीं चाहिए? मैं वजह बताना जरूरी नहीं समझता, जो अपनी सीट पर जाकर बैठो। अरे ओ अजय, हमार मतलब है सर, कल तुमने किताब खोली तो घंटी बज गई। आज कहीं ऐसा ना हो कि किताब ही ना खोले और आउ हो जाए, का हो जाए। ये माफिक तुम झगड़ते रहोगे तो हमका पढ़ाओगे कब? भाई हमार पढ़ाई का नुकसान होता है ना। मुझे पता है तुम्हें पढ़ाई का कितना शौक है शकुन, अपनी सीट पर बैठ जाओ तुम भी। मामा आऊ। आऊ। लो अपनी किताब दो। थैंक यू सर। औरत, औरत के बारे में आज मैं तुम्हें कुछ खास बातें बताना चाहता हूं। जानते हो औरत औरत कब कहलाती है? वैसे ये है तो बहुत ही बेतुका सवाल, लेकिन इट इज वेरी वेरी स्टैंड अप, स्टैंड अप। ये क्या कर रही हो तुम? मैंने क्या किया है सर? तुम्हारी ये हरकत देखकर ही तुमसे पूछा हूं मैं। पता नहीं इन्हें क्या हो गया है, जब से आए हैं मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं। ए अजय। यस जया। अगर किसी वजह से तुम्हारे होठ सूख जाए तो तुम क्या करोगे, जरा करके बताओ। और तुम नीलम, और तुम सब लोग जरा करके बताओ। अगर मैंने ऐसे किया तो ये मुझे क्यों डांट रहे हैं? सर आप ही कर रहे हैं। देखो जया, तुम एक होनहार स्टूडेंट हो, तुम हर सब्जेक्ट में नंबर वन हो, लेकिन मेरा स्कूल में दूसरा दिन है, मुझे एक लेसन तो पढ़ाने दो। तो मैंने कब रोका है सर, पढ़ाइए। आज मैं सबसे पहले तुम्हें बाय। शगुन। अरे का हुआ मामा, इस सड़े हुए तबेले की भैंस की तरह काहे बैठे हो? अब क्या बताए भांजे, आज हम क्लास में सो गए थे ना, उस दूसरे मास्टर आजा ने हमका एक हफ्ते के लिए बेंच पर खड़ा होने की सजा दी है।
अब हमार चटी छोटी छोकरिया के सामने शर्म लागत है ना, नीचे से सब आऊ, हम क्लास में नहीं जाऊंगा। अरे घबराते काहे हो मामा, हम तुमका ऐसा तरकीब बताऊंगा, अरे तने कान तो इधर लाओ। आऊ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। कल मैंने गधे को बेंच पर खड़े होने के लिए कहा था, लगता है भूल गया। शगुन नीचे उतरो। तुम्हार हुक्म ही तो पूरा कर रहे हैं सर, तुमने कहा कि खड़े हो जाओ। मैंने कहा ना नीचे उतरो, इधर आओ। ये क्लास में कच्चा पहनकर आने की क्या जरूरत है? वो क्या है सर, आज गेम्स पीरियड है ना, इसलिए छक्का। गेम्स पीरियड सबका, ये सब तो कच्चा पहन कर नहीं आया, तुम क्या स्पेशल हो? सर हमें खेलने में बहुत तकलीफ होती है ना, अपने आराम के लिए हम ये कच्चा पहने हैं। तो मेरे आराम के लिए एक काम करो, 7 दिन तक स्कूल में नजर मत आना। नाउ गेट आउट। अजय हमार बात सुन। गेट आउट। क्वाइट क्वाइट, नाउ ओपन योर बुक्स। सुंदरकांड, सुंदर हनुमान जी का दूसरा नाम भी है, इसलिए इसमें हनुमान जी के चरित्र के बारे में भी बताया गया है। चाहे आज से इस क्लास में या तुम रहोगी या मैं, बोलो बाहर कौन जाएगा? सर आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं ही चली जाती हूँ। सर प्रिंसिपल साहब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सलाम सलाम। मिस्टर अजय, डीओ साहब है आप? मिस्टर अजय। गुड मॉर्निंग सर। क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को? सर वो सुंदरकांड पढ़ा रहा था सबको। कुछ पूछ सकता हूँ इनसे? सर इस विषय में अभी अभी मैंने थोड़ी सी जानकारी दी है। कुछ ज्यादा नहीं पूछूंगा। व्हाट इज सुंदरकांड, आप में से कोई बता सकता है? सर यस। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो अपने आप को भ्रम से बचा सके, और जब इंसान को भ्रम हो जाता है तो वो कहीं का नहीं रहता है। सुंदरकांड की शुरुआत में रामचंद्र जी को याद करते हुए अशोका वाटिका में माता सीता रोने लगती है। ठीक उसी तरह दूसरी तरफ रामचंद्र जी अपनी प्रिय पत्नी सीता जी के बारे में सोचते हैं कि वो कैसी होगी और कहाँ होगी, और इसी सोच में जंगल में भटकते हुए वो भी रोने लगते हैं। ठीक उसी समय राम भक्त हनुमान माता सीता से अशोका वाटिका में मिलकर उन्हें श्रीराम की मुद्रिका देते हैं। माता सीता मुद्रिका देखते ही अपने भ्रम से मुक्ति पा लेती है और उन्हें फौरन एक दूसरा भ्रम सताने लगता है। क्या वो दोबारा श्री राम के दर्शन कर पाएंगी या नहीं? ठीक उसी तरह जब राम भक्त हनुमान वापस लौटकर श्री राम को सीता जी के बारे में बताते हैं तो उन्हें भी अपने भ्रम से मुक्ति मिलती है और उन्हें फौरन एक दूसरा भ्रम जकड़ लेता है कि सीता जी से उनकी भेंट हो पाएंगी या नहीं। श्री राम और सीता जी को लगे इस भ्रम से छुटकारा दिलाने वाला ही सुंदरकांड है। बस सर हमारे टीचर ने हमें यहाँ तक ही पढ़ाया है। ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट, कितनी खूबसूरती से बच्चों को समझाया है। आई एम वेरी हैप्पी, यू आर रियली अ गुड टीचर। एक्सीलेंट, आई मस्ट से गॉड ब्लेस यू। क्या बात है, बात को चलिए। सर अब भी मेरा बाहर जाना जरूरी है या? थैंक यू। क्या क्या बात है, ये तो जीनियस है। तुम रुको, पहले मुझे फोन करने दो, मेरी गर्लफ्रेंड हो जाएगी। प्लीज चुप, पहले मैं फोन करूंगी। क्या बात है सर, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? अरे इस महीने का टेलीफोन का बिल कितना आ गया है देखो, मैं कभी इतना फोन करता नहीं है। अगर मुझे फोन करना होता तो मैं एसटीडी बूथ में जाके करता हूँ, इतने पैसे कभी आते हैं? क्या मुसीबत है। अरे अरे आप फोन क्यों रख रहे हैं, बेटी से बात करते हुए बोर हो गए हो क्या? बेटे पिछले आधे घंटे से तुम बात कर रही हो, वो भी एसटीडी पर, जानती हो कितना बिल आएगा?
इसीलिए तो रात में फोन करती हूँ पापा। हमारे यहाँ रात में पैसे नहीं लगते। हमारे प्रिंसिपल साहब बहुत ही अच्छे हैं। वो बिल खुद देते हैं, पता है आपको? मैं आपके साथ एक और घंटे तक बात कर सकती हूँ। एक घंटा? अटेंशन, अटेंशन प्लीज। एक खुशखबरी सुनिए, आज हमारे साइंस और मैथ के दोनों टीचर नहीं है। आज क्लास बंद। क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो इतना? सॉरी, आपका पीरियड नहीं है। जानता हूं, मगर प्रिंसिपल साहब ने मुझे इसलिए भेजा है ताकि तुम लोग इतनी शरारत ना कर सको कि आसपास के स्टूडेंट्स भी पढ़ ना सके। चंकी प्रेजेंट सर। नीलम आयो सर। गोविंद मौजूद हूं सर। सोनम लगता है मेरे आने से तुम लोगों को ज्यादा ही दुख हुआ है। नहीं तो और क्या सर, खुशियां मनाए। सोचा था दो पीरियड खाली है, नाचेंगे गाएंगे खूब मस्ती करेंगे। अगर तुम लोगों के नाच गाने और मस्ती में मैं भी शामिल हो जाऊं तो किसी को एतराज तो नहीं होगा। What? ये आप क्या कह रहे सर? सही कह रहा हूं। So come on, join me.
किताब कहाँ है? घर भूल आया। और तुम्हारी? लाई हूँ। अब शेक्सपियर खोलो जरा। और तुम? स्याही डाल रही हूँ। हाल दिल जाने वो है साइकोलॉजी, लड़का लड़की मिले वो है बायोलॉजी। अंग्रेजी लिटरेचर का अब बाकी है घंटा। हम टीनेजर रोमांस पढ़ाओ रोमियो जूलियट का। बचाओ, बचाना रोमियो जूलियट का। आदत बुरी ये फिल्म की, बातें करो तुम इल्म की। अरे नाचो गाओ, फिल्म दिखाओ मौज मजे की ये घड़ी। अरे मौज मजे को उम्र पड़ी है पढ़ने की है ये घड़ी। आदत बुरी फिल्म की, बातें करो तुम इल्म की। रुको मैं लेस बांध रही हूँ। ये क्या बेहुदा मजाक है? क्या तुम्हें स्कूल में यही सिखाया जाता है? मैंने क्या किया? तुम अच्छी तरह जानते हो तुमने क्या किया है। ऐसी गंदी हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मैडम, किक लगाने से फुटबॉल कैसे उछलती है शायद तुम्हें नहीं मालूम, कहीं भी जा सकती है। मैंने कोई गंदी हरकत नहीं की, गंदगी तो शायद तुम्हारे दिमाग में है मैडम। नॉनसेंस, बिहेव योरसेल्फ। गोविंद, गोविंद ये तुम्हारी टीचर है, टीचर के साथ कैसे बात करते हैं, तुम्हें तमीज नहीं है क्या? ये हमारे बीच की बात है। हाँ, तुझे बीच में आकर तमीज सिखाने की कोई जरूरत नहीं, समझे? शायद तू जानता नहीं मिनिस्टर का बेटा हूं मैं, चाहूं तो स्कूल से दो मिनट में तेरी छुट्टी करा दूं। बहुत ताकतवर हो तुम, हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो मेरा। कम ऑन चलो, कम टू द बस। Get inside, quick! Come on! Get in! Get inside! Hey! Hey! Jellyson! तो अपनी जगह से कोई ला, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, भूल डालूंगा सबको। चल जल्दी पे बोलता हूँ। चल तूने, अब तेरा जिंदा रहना ठीक नहीं है कुत्ते।
कुत्ते कुत्ते तो क्या सारी हिंदुस्तान की मिलिट्री तेरे को बचा नहीं सकती? ए मास्टर, जिस दिन मेरे भाई को पता चला ना, वो दिन तेरे जिंदगी का आखिरी दिन होगा मास्टर। ये जाओ, ये जाओ हम से देखो। सर, इस बात का किसी को पता ना चले कि इसकी गिरफ्तारी में मेरा कोई हाथ था, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, लेकिन स्कूल के उन बच्चों की है। ऐसा ना हो कि मेरी वजह से उन पर कोई आ जाए। आई अंडरस्टैंड मिस्टर अजय, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुमने इस देश के लिए कितना बड़ा काम किया है। इस बात को राजी रखा जाएगा। वेल डन। थैंक यू सर। सर, थैंक यू जय। एक बात पूछूं, थोड़ी देर पहले जब गोविंद ने आपका हाथ पकड़ा था तो आपने ये कहकर हाथ छुड़वा लिया कि तुम बहुत ताकतवर हो, और इसे गोविंद मेरा स्टूडेंट है जया, और वो देश का गद्दार। मैं चाहता तो गोविंद की बदतमीजी का जवाब दे सकता था, मगर ऐसा करने से उसके अंदर का घमंड नहीं टूटता, बल्कि बदले की भावना और जाग जाती। सजा देने से स्टूडेंट्स में बदलाव नहीं आता, और मैं गोविंद में बदलाव देखना चाहता। अरे गोविंद, रियली वेरी सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, आई एम सॉरी सर। इट्स ओके गोविंद, कम ऑन कम ऑन। छोटे गिरफ्तार हो गया है और हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे। उन कुत्तों ने उसको जकड़ लिया, हमारे शेर जैसे भाई को कुत्तों की फौज ने जकड़ लिया। नहीं नहीं, छोटे रिहा होगा, छोटे रिहा होगा, किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से छोटे रिहा होगा, क्योंकि उसी को तो मालूम है कि न्यूक्लियर बॉम्ब उसने उसने कहां छिपा कर रखा है। उस बॉम्ब के बिना हम अपना प्रण, अपना वादा पूरा नहीं कर पाएंगे, और आज तक हमने अपना हर वादा पूरा किया है, और ये भी करेंगे। मामा, क्या बात है मामा, सारे स्टूडेंट्स मैदान में है, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? हमार 7 दिन की छुट्टी की ना उस ससुरे अजय ने, ये बात पर हम ना पिकनिक पर जा सके ना मजे उड़ा सके, घर में पड़े पड़े बैंगन की तरह सड़ गए हम। हम एक और ऐसा बदला ले कि हराम ज्यादा सारी जिंदगी करे। लेकिन जया की किताब में कहा रख रहे हो तुम? ये तो का बाद में पता चले, चल आऊ आऊ। गुड मॉर्निंग, टेबल पर रख दो। आज आपने टाई नहीं लगाई है सर? क्यों, टाई लगा बिना मैं पढ़ा नहीं सकता? गुस्सा क्यों होते हैं सर? लेकिन आप टाई में ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट लगते हैं। आई होप आज तुम लोग में से कोई शरारत नहीं करेगा, क्योंकि आज मैं जो लेसन पढ़ाने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। क्या बात है मामा, सर इतनी बुरी तरह काहे चौंके? किताब बम रख दिए होगा। मामा आओ,
थाउ। चाय जरा भारा ना। मैं सर? यस। लगत है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन हुआ है। वो कहा है कि पहले सर जया को समझाएंगे, ओके बाद जया हम लोगन को समझाएगी, ओके बाद कहा होगा। देखो जया, ये पहली जिया बेकरार है, आई बहार है, आजा मोरे साजना तेरा। देखो जया, ये पहली बार है, पहला खत है, अगर किसी के हाथ लग गया तो हम दोनों की बहुत बदनामी होगी। बी केयरफुल। दूरी, सर तुझे अकेले में बाहर क्यों लाए थे? और ये तेरे हाथ में चिट्ठी कैसी? सर ने दी है। आई लव यू। ओह माय गॉड, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये सर की हरकत हो सकती है। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है। तूने क्या सोचा है? इस खत का जवाब देगी? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग मैटर है, तो समझ कर बताऊंगी। गुड मॉर्निंग, प्लीज सलाम। ये लीजिए। अब मुझे तुम्हारी किताब की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद दुकान से खरीद कर लाया हूं, जाकर बैठ जाओ। साइलेंस। लागत है आज फिर हम लोगों की पढ़ाई नहीं होने वाली। आज का रख दिया है तुमने? मामा आओ। आओ आओ। जया, लागत है कि मास्टर जी तुमका कुछ समझाना चाहते हैं। जाओ उनका साथ। शगुन, बस बहुत हो गया मास्टर जी के साथ मजा। गोविंद, छोड़ दो उसे। जया, प्लीज कम आउटसाइड। मास्टर के आउ में क्या है, जया के आउ में। मास्टर के दिल में जया, जया के दिल में मास्टर। ये दिल जया देगी मास्टर को, मास्टर को। जया, ये दूसरी बार है, ये दूसरा खत है। इस वक्त मेरे दिलो दिमाग में ऐसी हलचल मच रही, मैं बयान नहीं कर सकता। बस इतना समझ लो, मैं बहुत बेचैन हूं। समझने की कोशिश करो। बात है, दूसरी चिट्ठी। देख, अगर तू सर को नहीं चाहती तो मुझे बता दे, मैं सर को जवाब दे दूंगी। अभी तक मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें चाहती नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। This is too much. अरे तुम एक brilliant student हो, इसलिए मैं तुम्हारी हर गलती को नजरअंदाज करता रहा। दो मरता तुमको वार्निंग दी, इसके बावजूद तुमने तीसरा लव लेटर लिखा, वो भी अपने टीचर को, अपने गुरु को। हद हो गई बेशर्मी की। अगर मिस्टर अजय की जगह कोई दूसरा होता ना तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देता। अरे ये तो इनकी शराफत है कि उन्होंने सीधे जाकर मुझसे कंप्लेंट की। सर, आप मुझे कुछ कहने का मौका तो दीजिए। तुमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? आप एक तरफा बात सुनकर मुझे डांट नहीं सकते सर। मेरी भी तो बात सुनिए, मुझे क्या कंप्लेंट करनी है? तुमको क्या कंप्लेंट हो सकती है? तुम्हारा लेटर तो सामने रखा हुआ है। लेटर है, लेटर है, ये आप क्या कह रहे हैं सर? ये मैं भी देख सकती हूँ कि ये लेटर है, लेकिन आपने कभी ये जानने की कोशिश की
ये लेटर कहाँ से आया है, किसने लिखा है और क्यों लिखा है? अच्छा, कहाँ से आया, किसने लिखा? तुमने लिखा हो, किसने लिखा है? ये लेटर मैंने नहीं लिखा है सर, इन्होंने मुझे लिखा है। हा? क्या बकवास कर रही है तुम? अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, ये लेटर मैंने लिखा है। और नहीं तो किसने लिखा है? याद कीजिए, जब आपने मुझे पहली बार ये लेटर दिया था तो क्या कहा था आपने? पहली बार है, पहला खत है, अगर किसी और के हाथ लग गया तो हम दोनों की बहुत बदनामी होगी, यही ना? और क्या करता मैं तुम्हें बदनामी और गलत रास्ते पर चलने से रोकने के लिए, क्या करता? अगर ऐसी बात है तो दूसरा लेटर देते वक्त ये क्यों कहा था कि इस वक्त मेरे दिल में, मेरे दिमाग में कैसी हलचल मची हुई है ये मैं बता नहीं सकता, बस इतना समझ लो कि मैं बहुत बेचैन हूँ। अरे अजय बाबू, ये क्या चक्कर है? आप कहते हैं ये खत इसने लिखा है, ये कहती है आपने लिखा, मेरी तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। मैं सर, आप मेरा कैरेक्टर अच्छी तरह जानते हैं, आप जानते हैं मैं अपनी गुरु की कितनी इज्जत करता हूँ, मैं आपकी कसम खा कर कहता हूँ सर, ये खत मैंने नहीं लिखा है। आप बोलो, ये मेरी कसम खाने को तैयार है? तो मैं भी कसम खाती हूँ सर, आपके सर की कसम कि मैंने भी ये खत नहीं लिखा है। अरे क्या मुसीबत है, तो मेरी कसम खा रही है, मेरे सर की कसम खा रही है, मतलब दोनों में से एक तो झूठ बोल रहा होगा, तो मेरा मरना तो पक्का हो गया। अब मुझे बताना पड़ेगा ये खत किसने लिखा है। अगर आप मुझ पर शक कर रहे हैं तो मुझे स्कूल में पढ़ाने का कोई हक नहीं है, मेहरबानी करके कल आप मेरा इस्तीफा मंजूर कर लीजिए। अच्छा, अरे नहीं 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 अजय बाबू, मैं आप जैसा काबिल टीचर नहीं खोल सकता, इंक्वायरी बाद में होती रहेगी, फिलहाल मैं इस लड़की को एक कसूरवार ठहराता हूँ। आप बताइए इसको क्या सजा दी जाए? इसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए सर जो तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक सबक हो। इसे 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दीजिए। 15 दिन कुछ ज्यादा नहीं होगी, बच्ची की पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। कोई नुकसान नहीं होगा सर, ये हॉस्टल में बैठकर पढ़ लेगी, सीधा इंटेलिजेंट गर्ल। बस कीजिए, अब बेकार में मेरी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे स्कूल से 15 दिनों के लिए निकालना था ना, आपने निकाल दिया, अब तो आपको सुकून मिल गया। अगर मुझे सुकून नहीं मिला क्योंकि इसका तो कुछ फैसला हुआ ही नहीं, अगर लड़कों को इस लव लेटर के बारे में जरा सी भी खबर मिल गई तो वो तो हंगामा खड़ा कर देंगे। सब हुआ ताका ताकी झांका झांकी देखा देखी हो गई, लड़की कम सिन देखते ही खो गई। फिर क्या हुआ मामा? लैला बेचारी का करती नजरिया, मजनू से लड़ गई। लैला बेचारी का करती नजरिया, मजनू से लड़ गई। पढ़ने को आई कुछ और सबक, कुछ और ही पढ़ गई। लैला बेचारी का करती नजरिया, मजनू से लड़ गई। लैला बेचारी का करती नजरिया, मजनू से लड़ गई। किसने उसे बनाया? अरे नाच नचाती थी वो सबको, किसने उसे नचाया? एक जवान छैला अलबेला अपने शहर में आया, प्यार की उसने प्यास जगा दी, ऐसा जादू चलाया। मजनू बेचारा का करता के लैला खुद पीछे पड़ गए। पढ़ने को
दवाई कुछ और सबक कुछ और ही पड़ गई। लैला बेचारी का करती नजरिया मजनू से लड़ गई। लैला बेचारी का करती नजरिया मजनू से लड़ गई। प्रेमी प्यार के तट पहुँचे, बंसी की धुन सुन रहा था जो जमुना तट पहुँचे पहुँचे पहुँचे। जवां उम्र का लड़का है और लड़की नादा नादा, कैसे इनमें प्यार हो गया सोच के हूँ मैं हैरान। किसी से भी हो सकता है ये प्यार तो है बस प्यार, प्यार कोई सीमा ना माने ना कोई दीवार। प्रीत बड़ी जिद वाली की जिस पर अड़ गई पढ़ने को आई कुछ और सबक कुछ और ही पड़ गई। लैला बेचारी का करती नजरिया मजनू से लड़ गई। लैला बेचारी का करती नजरिया मजनू से लड़ गई। अंदर क्लास चल रही, भाग क्यों खड़े हो तुम? हम तो हार का ही इंतजार कर रहे थे अजय। क्यों? ये बताने के वास्ते कि वो प्रेम पत्र जया ने तुमको नहीं लिखा है, हमें चोरी से लिख के उनका किताब में डाल दिए। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम हमका एक हफ्ता के वास्ते क्लास से बाहर निकाल दिए, हम पिकनिक पे ना ही जा सके ना, ये वास्ते ये हरकत हम तुहार से बदला लेने के लिए किया। इसमें जया का कोना कसूर ना ही है अजय, हम गंगा मैया की कसम खा के कहते हम सच बोलते हैं। हेलो जया, जया अंग्रेजी में एक कहावत है, इट्स इजी टू डिस्ट्रॉय बट हार्ड टू बिल्ड। बिना सोचे समझे प्रिंसिपल साहब से शिकायत करके मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, असल में शरारत शगुन की थी, मुझे माफ कर। एक लड़की का नाम एक लड़के के साथ पहली बार शादी के कार्ड पर छपता है, लेकिन मेरा नाम तो आपके साथ स्कूल के कंपाउंड से हॉस्टल के बाथरूम तक लिख दिया गया है। अब हमारे पास एक ही रास्ता है सर, कि हम सचमुच एक दूसरे के ही हो जाएं। होश में हो जया, जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? मैं तुम्हारा टीचर हूँ जया, टीचर, और तुम मेरी स्टूडेंट, जरा बात करते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? अब किस मिट्टी के बने हुए सर, एक खूबसूरत जवान लड़की अगर किसी मर्द से आई लव यू कहे तो उसे झटका लगेगा, खुशी से झूम उठेगा वो। जया देखिए सर, इनकार मत कीजिए, रात को थोड़ी देर सोचिए मेरे बारे में, मैं वादा करती हूँ सारी रात आंखों आंखों में ही कट जाएगी, और सुबह जब आप स्कूल आएंगे तो आपका ये फैसला खुद ब खुद बदल चुका होगा। आई रियली लव यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड। हाय।
भर तो स्कूल में सर खपाते रहते हैं सर। एक संडे को छुट्टी मिलती है वो भी फूलों को सताने में गवा रहे हैं। कभी तो लाइफ एंजॉय कीजिए। नीलम। यस सर। ये लड़की तो हॉस्टल में रहती है, सुबह सुबह तुम्हारे घर में क्या कर रही है? सर वो हमारे घर में। इसका जवाब मैं देती हूँ, तू जा यहाँ से। अरे जाना। बात दरअसल ये है सर कि मैं हॉस्टल छोड़कर आपकी पड़ोसन बन गई हूँ। मेरा मतलब ये है कि मैं पानीपुरी शर्मा जी के घर पेइंग गेस्ट बनकर आई हूँ। खाने पीने और रहने का सब मिलाकर 1000 रुपया महीना देना पड़ेगा बस। किस सोच में पड़ गए सर? मैंने तो आपको उसी दिन कहा था कि दुख के तूफान में से खुशी के किनारे पर पहुंच जाना ही सुंदरकांड है। और मेरा सुंदरकांड है आपको ढूंढना, आपके करीब आना, आपको पाना, जिस पर आज मैंने अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। ये तुम्हारी नादानी है जया, तुम्हारा बचपना है। एक दिन तुम इस हरकत के लिए पछताओगी क्योंकि तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। अरे सर दुआ नहीं दे सकते तो कम से कम बद्दुआ तो मत दीजिए। वैसे तो ये मेरी पहली और आखिरी इच्छा है, मैं भी देखती हूँ कैसे पूरी। देखो जया, मेरे हाथ में ये झाड़ी काटने वाली कैंची है, ऐसा ना हो मैं तुम्हारा गला काट दूँ। अरे सर गुस्सा मत होइए, क्योंकि आपका गुस्सा भी अब मेरा इरादा बदल नहीं सकता। बाय। ओ सर कल स्कूल अकेले मत चले जाना, मुझे भी अपने स्कूटर पर बिठा कर ले चलना, रास्ते में खूब मजेदार बातें करेंगे। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते बेटी, तुम अंदर जाओ। जी आप भी अंदर चलिए ना। मैं कबाब में हड्डी बनकर क्या करूंगी, मैं यहीं ठीक हूँ। अच्छा आइए जी। अरे सोनम ये सब क्या चक्कर है, तुमने एक लड़की और सर को अंदर जाते हुए देखा? तो मैं भी कई दिनों से देख रही हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन ये औरत अलग अलग लड़कियों को लेके सर के पास आती है, खुद तो बाहर बैठ जाती है और लड़की सर के साथ अंदर चली जाती है। और फिर लड़की बाहर कितनी देर बाद निकलती है? कोई 15 मिनट में निकल आती है तो किसी को आधा घंटा लग जाता है। ये सब क्या चक्कर है, सर ऐसा कैसे कर सकते हैं? जी लड़की जब बड़ी हो जाती है तब वो औरत कहलाती है। नो 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 नो, आपने मेरे सवाल का जवाब कुछ ठीक नहीं दिया। आप मेरे हर जवाब के बाद इस तस्वीर की तरफ क्यों देख रहे हैं? ये मेरी दादी है, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी जब मैं उस तस्वीर को देखता हूँ तो यूं लगता है जैसे वो मुझसे बातें कर रही है। एक आखिरी सवाल जी, औरत घर में दिया क्यों जलाती? अंधेरा दूर करने के लिए। सिर्फ अंधेरा दूर करने के लिए? हाँ रोशनी करने के लिए, और क्या। वो दिया जलाने से रोशनी तो होती है, लेकिन मेरी दादी कहती थी कि घर में दिया इसलिए जलाया जाता है ताकि घर में सुख आए, शांति रहे, लक्ष्मी बढ़े। आप समझ गई ना? देखिए मुझे गलत मत समझिए, लेकिन ये लड़की भी मुझे। नहीं नहीं ये आप क्या कह रहे हैं, मैं आपको कैसे गलत समझ सकती हूँ? आप एक अनाथ लड़की से शादी करके अपना घर बसाना चाहते हैं, ये तो एक बहुत ही नेक काम है। वैसे आप फिक्र मत कीजिए, मेरे अनाथाश्रम में 350 लड़कियां हैं, जब तक आपको अपनी पसंद की लड़की नहीं मिल जाती मैं बराबर यहाँ आती रहूंगी। शुक्रिया, मुझे लड़की में ज्यादा कुछ नहीं, लड़की पढ़ी लिखी हो, समझदार हो और मेरा घर बसा सके, बस यही कुछ गुण चाहिए। रोको रोको भैया, यही रोको। आप टीचर अजय कुमार सक्सेना का घर बता सकते हैं? जी मैं ही अजय कुमार सक्सेना। मैं शिवनंदन अनाथ आश्रम से आई हूँ। मगर रोज जो औरत आती वो? जी उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं आई वो। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कहिए। मैं एक लड़की दिखाने लाई हूँ, लड़की मुस्लिम है, आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? नहीं नहीं मैं जात पात धर्म वर्म नहीं मानता। आओ बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, चलिए अंदर चलिए आइए। ये लो अपना इनाम, अच्छी एक्टिंग करने का, आप चलो फूटो यहाँ से। आपका नाम? सुल्ताना रजिया चमचम अनीस मचमच रजिया सुल्ताना बेगम। ठीक है मैं याद कर लूंगा।
क्या मैं आपसे कुछ पूछने की जरूरत कर सकता हूँ? क्यों नहीं, बड़े शौक से। लेकिन मैं भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, पहले आप पूछिए। अच्छा तो ये बताइए, गाय बछड़े को जब जन्म देती है तो बछड़ा फौरन माँ का दूध पीने के लिए उसके स्तन को ढूंढ लेता है, उसे कैसे पता चलता है कि दूध वहाँ है? ये क्या सवाल हुआ? आप ही बताइए, जानवर तो बेजुबान होते हैं, हम इंसानों की तरह अपने बच्चे को बोल के बता नहीं सकते, फिर भी उनमें सोचने समझने की सहूलियत कैसे होती है? बिना बताए अपने माँ के स्तन से दूध कैसे पीते हैं? This is a very very simple question. अगर ये सवाल आप मुझ जैसे टीचर से पूछने के बजाय एक आम आदमी से पूछेंगे ना, तो वो भी उसका जवाब दे देगा। ये सब कुदरत के करिश्मे, यू नो, जानवरों के बच्चों का अपनी माँ के स्तन को ढूंढने का सेंस फिफ्थ सेंस कहलाता है, पांचवा। अच्छा अच्छा, तो ये बात है, जानवरों को पांच सेंस होते हैं, फिर भी कुदरती तौर पर उन्हें सब पता चलता है, और इंसानों में छह सेंस होते हैं, फिर भी उनमें अकल ही नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि औरत के आंचल में पलने वाला बच्चा जो बचपन से औरत को देखता आया है, समझता आया है, शादी के वक्त अचानक इतना ना समझ हो जाता है जो इंटरव्यू लेने की जरूरत पड़ती है। पूरा नहीं मानना, मगर आप किसी स्टेनो या टाइपिस्ट का इंटरव्यू ले रहे हैं जो आपसे ये कहे कि उन्हें 10 सालों का एक्सपीरियंस है, तो आपको खुशी होगी? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे शादी के 10 सालों का एक्सपीरियंस है, तो क्या आप मुझे अपनाएंगे? अच्छा लगेगा आपको? आप भी मुझसे कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं नहीं, इट्स ऑल ओवर, क्लीन बॉय। नहीं नहीं, आप जरूर पूछिए, हो सकता है जो मैं नहीं जानती वो आप जानते हो, तो मुझे भी जान लेना चाहिए ना। ठीक है, औरत घर में दिया क्यों जलाती है? मुश्किल सवाल लग रहा है ना, कोई बात नहीं, टेक योर ओन टाइम, आराम से सोच कर बताइए, और अगर फिर भी ना बता पाई तो मैं बताऊंगा, आई विल एक्सप्लेन द होल थिंग टू यू। अलग अलग औरतें अलग अलग मकसद के लिए दिया जलाती हैं। एक गरीब औरत अपनी कुटिया को रोशन करने के लिए दिया जलाती है, एक तवायफ अपनी महफिल को सजाने के लिए, एक पुजारन भगवान को खुश करने के लिए, और एक घरेलू औरत इसलिए दिया जलाती है ताकि उसके घर में लक्ष्मी आए, शांति रहे और सुख बढ़े। गुड, वेरी गुड। एक आखिरी सवाल, आपको गाना आता है? क्यों नहीं आता होगा, तो शादी नहीं करोगे? नो, दैट्स द पॉइंट। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर आदमी जब काम से घर लौटता है तो वो चाहता है कि बीवी उसका मन बहलाए, उसके हाथ पैर दबाए। हाथ पैर भी दबाना पड़ेगा? औरत साथ कोई गुलाम होती है? अरे आप नाराज क्यों होती है? मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, वैसे महीने में कुछ दिन ऐसे भी होते जब आप लोग आराम करती हैं। तो क्या आप उस दिन मेरे पैर दबाओगे? क्यों नहीं। ठीक है, तो फिर मुझे गाना आता है, तो फिर गाइए ना। उसके लिए आपको खूबसूरत वादियों में जाना होगा। गुड। जहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो। वेरी गुड। जहाँ एक तरफ आसमान से बातें करते हुए पहाड़ हो, तो दूसरी तरफ पानी का खूबसूरत झरना। झरना? हाँ, और हम 30-40 लड़कियों के बीच घेरे होंगे। दिल का पंछी बोले कुकु कुकु, सासों की बंसी बोले कुकु कुकु, तेरा भी दिल बोले कुकु कुकु, मेरा भी दिल बोले कुकु कुकु, मुझको पसंद तेरी कुकु कुकु, तुझको पसंद मेरी कुकु कुकु, रोज करेंगे हम कुकु कुकु कुकु। दिल का पंछी बोले कुकु कुकु, सासों की बंसी बोले कुकु कुकु, तेरा भी दिल बोले कुकु कुकु, मेरा भी दिल बोले कुकु कुकु। Thank you.
पसंद मुझे, कर लिया तूने रजामंद मुझे। दिल का पंछी बोले कुकु कुकु, सांसों की बंसी बोले कुकु कुकु। तेरा भी दिल बोले कुकु कुकु, मेरा भी दिल बोले कुकु कुकु। मुझको पसंद तेरी कुकु कुकु, तुझको पसंद मेरी कुकु कुकु। जो था ख्वाब में है वो सामने, रोज करेंगे हम कुकु 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 कुकु। दिल का पंछी बोले कुकु कुकु, सांसों की बंसी बोले कुकु कुकु। जो तुम्हारे साथ औरत थी वो कहां गई? कोई खास बात कहनी है उनसे? नहीं नहीं, बस यही कहना था कि मैंने तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया है। लेकिन आपने तो अभी तक मेरी शक्ल देखी भी नहीं। शक्ल मेरे लिए अहमियत नहीं रखती। I don't believe in face। इंसान का दिल और उसकी सीरत अच्छी होनी चाहिए बस। Are you sure? Very much। शक्ल देखने के बाद अपनी बात से मुकर तो नहीं जाएंगे? मेरा नाम अजय कुमार सक्सेना है। मैं एक बार किसी को जबान दे दूं उससे पलटता नहीं हूँ। थैंक यू सर। इसमें थैंक यू? ऐसे मत देखिए, आपने जुबान दी है, आप अपनी बात से हरगिज नहीं पलट सकते। सर प्लीज एक बार ट्राई तो कीजिए शादी करके। हाँ सर, हमारी सहेली का दिल मत तोड़िए, ये बहुत प्यार करती है आपसे। शट अप! अपने टीचर के साथ इस तरह की बातें करते, ऐसा बेहुदा मजाक करते, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम लोगों के माँ बाप तुम लोगों को इतना दूर पढ़ने के लिए भेजते हैं सिर्फ हम लोगों पर विश्वास करके, क्योंकि उनकी नजरों में हम टीचरों की एक इज्जत होती है, एक मर्तबा होता। बस आपकी स्टूडेंट हूँ, सिर्फ यही वजह है आपके इनकार की? हाँ, तुम मेरी स्टूडेंट हो इसलिए मैं इनकार कर रहा हूँ। अरे बेटा तू क्या बचपना कर रही है, यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। नहीं नहीं, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। क्या बात है सर? बात क्या, वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन स्कूल छोड़कर जा रही है। बेटी तूने अचानक फैसला क्यों किया? वो कौन सी चीज है जो तेरी पढ़ाई के बीच में आ रही है? सर, पढ़ाई ज्यादा जरूरी है या जिंदगी? वैसे तो जिंदगी ज्यादा जरूरी है, लेकिन बस यूं ही समझ लीजिए कि ये मेरी जिंदगी का सवाल है। तू कैसी बात करती है बेटा, तू मेरी सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं जया को समझाता हूँ। जया एक मिनट प्लीज। सॉरी मिस्टर अजय, अब मैं आपकी स्टूडेंट नहीं हूँ और स्टूडेंट ना रहूं इसीलिए मैंने ये काम किया है। बस यूं समझ लीजिए, आज से मैं आपके लिए जया और आप मेरे लिए अजय, सिर्फ अजय। अजय बाबू आओ, आज के बाद हमको आपकी
और आपको हमारी परवाह करने की जरूरत कोनो नहीं है। और आज के बाद हम आपको तंग भी नहीं करेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि कल हम शोभा टीचर के साथ आऊ करने वाले हैं। का करने वाले हैं? शादी। ई रहा हमारा शादी का कारण। आशीर्वाद देने जरूर आना। शोभा जी जरा ही आएंगी? अरे अरे इका, अरे ये हमरी होने वाली जोरू है, इका कोने में काहे को ले जा रहे हो? स्कूल का जरूरी मैटर है शगुन, बस एक मिनट। आओ। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? शगुन आपका स्टूडेंट है और आप उससे शादी कर रही हैं? अजय बाबू, आज तक मुझे कई लड़के देखने आए लेकिन उन्हें शादी के लिए लड़की नहीं बैंक चाहिए। सब मुझसे यही सवाल पूछते हैं, तुम दहेज में क्या दोगी? आपको मालूम है शगुन ने मुझसे क्या कहा? उसने कहा, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम पढ़ी लिखी हो और मैं ठहरा अनपढ़। मेरे पास पैसा बहुत है, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। उसे तो सिर्फ मेरी शादी की रजामंदी चाहिए थी, सो मैंने हाँ कर दी। पर फिर भी शगुन आपका स्टूडेंट है। सो व्हाट अजय बाबू, किस कानून ने कहा है, किस किताब में लिखा है कि स्टूडेंट और टीचर शादी नहीं कर सकते? अरे शोभा, स्कूल मैटर पे बात कर रही है, पर्सनल मैटर पे इतना वक्त काहे को लग रहा है शोभा? नहीं नहीं शगुन, बात हो गई। अजय बाबू आप जरूर आना। हाँ जरूर आना शोभा। क्या बात है सर, ये शगुन और टीचर साथ साथ क्यों है? मुझे सब पता है। अब आप क्या कहते हैं? जब देखिए तो टीचर स्टूडेंट करते रहते हैं। अब है आपके पास कोई जवाब? हाँ है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब एक टीचर अपने स्टूडेंट को भगा ले गया और जानते हो स्टूडेंट के माँ बाप ने क्या किया? खुदकुशी कर ली। आज तक वो हादसा मेरे दिल में खटकता रहता। सवाल भी खुद ही करते हैं और जवाब भी खुद ही देते हैं। आपके दिल की बात आप जाने, मगर आज मेरे दिल ने ये फैसला किया है। ये है हमारे प्यार की पहली सीढ़ी। ये क्या तुम्हारे कमर का पट्टा है? ये मंगलसूत्र, मंगलसूत्र, इसकी इज्जत करना सीखो। देखो जया, मैंने प्रिंसिपल साहब से वादा किया है कि किसी भी तरह मैं तुम्हें मना लूंगा। ये फजूल की बातें छोड़ो और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं अपने इरादे पर अटल हूँ सर, मुझे आपकी पत्नी बनकर 75% मार्क्स लेने हैं। तुम किसी और से शादी करके 100% मार्क्स लो, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर अब मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं आपको एक हफ्ते की मोहलत देती हूँ, आठवें दिन आपको ये मंगलसूत्र मेरे गले में पहनाना होगा, वरना जो कहानी आपने मुझे सुनाई है उसे मैं दोहराऊंगी। क्या मतलब? यही कि आपके स्कूल का एक टीचर एक स्टूडेंट को भगा ले गया था और उसके माँ बाप ने खुदकुशी कर ली। अब आप अपने स्टूडेंट से शादी नहीं करेंगे तो वो इस समुंदर में डूबकर खुदकुशी कर लेगी और बदनामी होगी आपकी। अब फैसला आपके हाथ में है, बदनामी या मंगलसूत्र। गुड बाय। अच्छा नहीं किया जया, खुदकुशी की धमकी देकर सर को बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया। बेचारे कल से घर में ताला लगा के गए हैं, कहीं तेरे डर से शहर छोड़ के ना भाग गए हो। अरे नहीं नहीं, वो देखो लगता है सर आ गए। मगर स्कूटर के बजाय टैक्सी में क्यों? अजय बाबू अचानक आओ कर ले। नमस्ते भाभी, हमको बताया तक नहीं। अजय बाबू, ये कैलकुलेशन आपने बहुत अच्छा जमाया, एक माली दो फूल। बधाई हो अजय। अरे क्या कर रही हो ये? अरे ठहरो तुम, रिवाज के मुताबिक जब नई दुल्हन घर में आती है उसकी आरती उतारी जाती है। रिवाज के हिसाब से लड़के वाले के रिश्तेदार आने वाली बहू को सोने के गहने भी पहनाते हैं। कौन करेगा इतने सारे रिवाज? मास्टर जी का अपना तो कोई है नहीं, लड़की पहले ही अनाथ है। मास्टर जी जल्दी में अनाथ आश्रम में शादी करके आ गए। बात जल्दबाजी अकेले होने की नहीं है मिश्रा जी, मैंने पहले से ही फैसला कर लिया था कि अगर मैं शादी करूंगा तो किसी अनाथ से। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, मगर रीत रिवाज निभाना भी तो जरूरी है।
से हम अजय की पत्नी के रिश्तेदार। अजय बाबू, अरे पहले डिरामे विरामे लिखते थे क्या, कब किसे घर में लाना है, कब किसे किसका किराएदार बनाना है, ये सुरताल का संगम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वैसे मेरा कैलकुलेशन कुछ और कह रहा था, पर आपने तो कुछ और ही कर दिया। गुड इवनिंग सर, कंग्रेचुलेशन। तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर और कहाँ जाओ। वाह 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 वाह, इसे कहते हैं जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। किसी की पांच उंगलियां घी में होती है और कोई घी को तरस जाता है। पानीपुरी जी, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए, मैं जरा चाय भिजवाता हूँ। ए, ये क्या कर रही हो तुम? जाओ यहाँ से, जाओ। सुहागरात की सेज सजा रही हूँ ताकि आपको दूसरी बार याद रहे। दूसरी बार? दूसरी बार क्या याद रहे? जब मैं दुल्हन बनकर आऊंगी तो ये सेज खुद सजा कर रखिएगा। देखो जया, मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से इतनी जल्दबाजी में शादी की ताकि तुम्हारा भविष्य खराब ना हो और तुम दोबारा स्कूल जा सको। आपने शादी किसी लिए भी की सर, मगर अच्छा किया। कम से कम इसी बहाने आपको थोड़ा एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा। हमारे वक्त ये एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। ज्यादा बकवास मत करो नहीं तो मैं जान से मार डालूंगा। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, आई एम अ मैरिड मैन। आप एक शादी तो क्या, सात शादी कर लीजिए, तब भी मैं आपकी आठवीं बीवी बनकर इस घर में आऊंगी। ये मेरा वादा है सर। दिस इज माय चैलेंज। जज तुम हो और ये कोर्ट भी तुम्हारा है, मगर आज फैसला हम सुनाएंगे। हमारे भाई को अगर हमारे हवाले नहीं किया गया तो तुम्हारे सभी लोगों को मौत की सजा मिलेगी। यस ऑफिसर, क्या पोजीशन है? तकरीबन हमारे 100 आदमी अंदर फंसे हुए सर, और सबसे बड़ी बात यह है कि जज साहब भी उनके कब्जे में है। सर प्लीज ऑर्डर है सर। उसने कहा है कि हर आधे मिनट के बाद हमारे एक एक आदमी को मौत के घाट उतार देगा। आप जल्दी से कुछ फैसला कीजिए सर। अरे ओ मंत्री, मेरी रिहाई के सिवाय तेरे पास और कोई चारा नहीं रे। देख कैप्टन, छोटे को ऊपर लाया जा रहा है। छोटे मेरे भाई। नहीं नहीं भैया, नहीं भैया, मेरे करीब मत आना। रोक क्यों गए कैप्टन? अपने भाई को साथ नहीं ले जाओगे? अब तो ये तुम्हारी आंखों के सामने है। तुमसे ही कुछ कदमों के फासले पर, हिम्मत है तो ले जाओ इसे, ले जाओ। लेकिन याद रखो, इसे तुम यहां से जिंदा वापस नहीं ले जा सकते। इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े तुम्हें ढूंढने पड़ेंगे। क्या
क्या समझते हो तुम लोग? अपने जिस्म में बम बांधकर जान देना सिर्फ तुम ही लोग जानते हो। हम भी जान देना जानते हैं। फर्क सिर्फ इस बात का है कि तुम अपने स्वार्थ के लिए जान देते हो और हम अपने देश के लिए जान देते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। कैप्टन, लगता है मैं बातों में फंसाया जा रहा है। कैप्टन, चाहते हो तुम? मेजर आजाद, कालीपुर से ट्रांसफर होकर जहां तुम जा रहे थे वहां तुम नहीं, ये जाएगा। सरस्वती, जो तुझे देखते ही मास्टर शादी के लिए फौरन तैयार हो गया, वरना उसने तो मुझसे कितने मुश्किल सवाल पूछे थे। अच्छा, लेकिन हो सकता है जो सवाल उसने मुझसे शादी से पहले पूछे हैं, वही सवाल वो तुमसे शादी के बाद पूछे, सुहागरात के दिन। सरस्वती, 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 क्या हुआ? अरे तुम रो रही हो, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तुमसे? अरे अरे, मैं एक अनाथ हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे आप जैसा पति मिलेगा। मुझसे शादी करके आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। मैं एक मर्द हूँ और हर मर्द को एक जीवन साथी की जरूरत पड़ती है। तुम एक औरत हो और तुम्हें सहारा देने के लिए तुम्हें एक जीवन साथी की जरूरत है। दोनों एक दूसरे के लिए बराबर। वी बोथ आर सेलिंग इन द सेम बोट, यू फॉलो मी? गुड, चलो चलो आओ बैठ। वांट सम वाटर? अरे ये क्या, तुम नीचे क्यों बैठ गई? आपके बराबर बैठना ठीक नहीं लगता। नहीं नहीं, चलो ऊपर बैठ। तुम मेरी बीवी हो, गुलाम नहीं। देखो सरस्वती, मुझे सिर्फ तीन लोगों से प्यार है। नंबर वन, मेरी दादी जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। नंबर टू, मेरे गुरुजी जिन्होंने मुझे शिक्षा दी। और नंबर तीन, तुमसे, क्योंकि आप तो मेरी बीवी हो। ये नंबर इससे पहले उन किताबों का था। लोग मुझे किताबी कीड़ा कहते हैं। ओ हाँ, जरा वहां से मिल्टन की पैराडाइज लॉस नाम की किताब लाना प्लीज। जी। उस किताब में मिल्टन ने ये लिखा है कि अगर पति पत्नी एक दूसरे को अच्छी तरह समझ कर जिंदगी गुजारे तो उनकी जिंदगी स्वर्ग से भी सुंदर हो सकती है। ये क्या उठा लाई तुम? आपने काफी बड़ा नाम बताया था ना, तो उस हिसाब से मैं सबसे बड़ी किताब ले आई। बड़ी? तुम कहां तक पढ़ी हो? अरे चुपचाप क्यों खड़ी हो? पांचवी क्लास। पांचवी क्लास? तो फिर तुमने अपना नाम सरस्वती क्यों रखा? मैंने नहीं रखा, बचपन में माँ बाप ने रखा था। मुझे धोखा देने के लिए? देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब मैं पांचवी में आई तो मास्टर ने कहा मुझे चौथी में होना चाहिए। जब मैं चौथी में गई तो उस मास्टर ने कहा कि मुझे तीसरी में होना चाहिए। फिर मैं तीसरी पास करके चौथी में गई, चौथी पास करके पांचवी में गई, फिर चौथी में आई, फिर तीसरी में आई। ऐसा तीन बार हुआ। फिर मैं बड़ी हो गई, फिर छोटे छोटे बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ने में मुझे शर्म आई, मैंने छोड़ दिया। अरे सरस्वती, जब मैंने तुम्हें अंग्रेजी में पूछा डू यू फॉलो मी तो तुमने सर क्यों हिलाया? आपने सर हिलाकर पूछा, मैंने भी सर हिला दिया। बैठ,
अंग्रेजी में तो तुम जीरो, मगर हिंदी आती है कि नहीं? अरे ये क्या डबल मीनिंग में सर हिला रही हो? अगर आती है तो इस तरह सर हिलाओ, और अगर नहीं आती तो इस तरह सर हिलाओ। आती है। गुड। खाना बनाना आता है? तू तो एकदम पगली है रे, गर्दन हिलाकर इशारे से कह देना सब आता है और फिर धीरे धीरे सीख लेना। मगर झूठ बोलना तो पाप है ना दीदी? कोई पाप पाप नहीं है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर, वरना तेरा घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। अरे तुम गहरी सोच में क्या पड़ गई? मैंने तुमसे पूछा था तुम्हें खाना बनाना आता है? आता है। चलो शुक्र है। देखो मुझे खाने का बहुत शौक है, आई जस्ट लव फूड, और वेजिटेरियन से ज्यादा मुझे नॉन वेज बहुत पसंद है। ऐसी बात नहीं है, अगर वेजिटेरियन में कोई अच्छी चीज मिल जाए तो वो भी मैं खा लेता हूँ, लेकिन नॉन वेज में मुझे सब कुछ पसंद है, चिकन, मटन, फिश, प्रॉन, कबाब, तगड़ी कबाब, पाया, गुर्दे का पूरे। सुनो सरस्वती, जहां तक हो सके मर्द को बोलने मत देना, मगर फिर भी अगर वो तुमसे ज्यादा सवाल जवाब करे तो फौरन बत्ती बंद कर देना। बत्ती बंद कर देने से मर्द का मूड बदल जाता है। और वेजिटेरियन में वेजिटेबल पुलाव, वेजिटेबल बिरयानी, वेजिटेबल फ्राइड राइस, वेजिटेबल कोरमा। अरे सरस्वती, ये बत्ती क्यों बुझा दी? सुहाग रात के दिन सिर्फ बातों से दिल बहलाओगे क्या? अरे वाह, मैं तो समझा था तुम इस मामले में बिल्कुल भोली हो। अरे दादी माँ, इस तरह आंखें फाड़ कर क्या देख रही हो? बंद करो ना अपनी आंखें। सरस्वती भाभी, ओ भाभी, ओ भाभी। अरे सरस्वती, क्या बात है बेटी? भाभी, इन्होंने शायद मेरे बारे में ये सोचा था कि एक पढ़ी लिखी अच्छा खाना बनाने वाली लड़की से शादी कर रहे, मगर जब उन्हें पता चला कि मैं पांचवी क्लास पास हूँ तो बहुत अफसेट हो गए। हाँ? इसका मतलब रात को? नहीं नहीं, वो तो मैंने संभाल लिया। रात को सोते सोते 4 बज गए। सरस्वती काफी होशियार हो। हाँ भाभी, मगर भाभी अब अगर उनको पता चल गया कि मैं अनपढ़ होने के साथ साथ खाना बनाना भी नहीं जानती तो पता नहीं और कितने हाफसेट हो जाते, इसलिए मैंने सर हिलाकर कह दिया मुझे आता है। अच्छा किया। मगर वो रात को कहने लगे कि सुबह जगा देना। क्या देकर? हाँ याद आया, गैस काफी। गैस काफी? हाँ। अरे गैस काफी नहीं, लस काफी। हाँ हाँ वही काफी, लेकिन अब मैं कैसे बनाऊँ? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगली कही की, इसमें डरने की क्या बात है, हम है ना। अरे जरा सी भी अड़चन आए तो तुम हमारे पास चली आना, झिझकना नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। हाँ अब थंकू भाभी। अरे थंकू नहीं, थैंक यू, थैंक यू। हाँ भाई थैंक यू। वाह क्या कॉफी बनाई है, यू हैव मेड माई डे। रात को मैंने ऐसे नहीं कहा था कि भगवान ने तुम्हारी कुछ बातों को छोड़कर तुम्हें बहुत गुनी बनाया। जी जाता है सुबह सुबह तुम्हें इनाम दे दूं। आपको स्कूल पहुंचने में देर हो जाएगी ना, आप नहाकर तैयार हो जाइए, मैं नाश्ता बनाती हूँ। अरे छोड़ो ना नाश्ते को सरस्वती, छोड़ो। ये लो सरस्वती, छोले पूरी और आलू के पराठे। तुम बहुत अच्छी हो भाभी, थैंक यू। क्या बात है जी, पराठा अच्छा नहीं बना क्या? भाभी, ओ भाभी। भाभी को क्यों बुला रहे हैं? अरे क्या बात है अजय, ये जो तुम्हारे पति है ना पानीपुरी शर्मा जी, हमेशा तुम्हारी तारीफों के ढोल बजाते रहते हैं कि मेरी बीवी से अच्छा कोई आलू का पराठा नहीं बना सकता, लेकिन तुम्हारी टक्कर लेने के लिए मेरी बीवी आ गई है सरस्वती। ए सरस्वती जी, जरा आलू का पराठा भाभी को तो देकर आ। हाँ। अरे दोबारा क्यों भिजवाते हैं? हमारा मतलब है कि सरस्वती हमें पहले ही भेज चुकी है। क्या? I like it। तो फिर भाभी पराठा कैसा लगा? अब हम क्या कहें? पर हम तो मना कर देंगे शर्मा जी से कि हमारे तारीफ का ढोल ना पीटा करे। हाँ दादा। अरे सरस्वती जी, जरा सुनो तो। अभी भी स्कूल जाने को दिल नहीं कर रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है, वो क्या है कि स्कूल में मेरे साथ 10-15 कुआरे टीचर भी पढ़ाते हैं। अच्छा। इससे पहले कि वो मेरा मजाक उड़ाए, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि शादी के कितने फायदे होते हैं। तुम एक काम करो, 10-15 लोगों के लिए चिकन बिरयानी और चिकन करी बनाकर स्कूल भिजवा दो। है? हाँ। अरे तुम सोच क्या रही हो? वही चिकन बिरयानी। हाँ? और चिकन करी के बारे में, और हाँ हो सके तो चिकन फ्राई भी भिजवा देना। हाँ। देखो इज्जत का सवाल है,
खाना बहुत टेस्टी होना चाहिए। ओके मैं चलूं? ओके बाय। खाना लेने प्यून को भेजूंगा। चिकन बिरयानी, चिकन मटन, चिकन फ्राई। मर गई भाभी। भाभी तो शाकाहारी है, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? चिकन चिकन फ्राई, चिकन मटन, अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ समझ में नहीं आता, क्या होगा? हंसिए मत दादी जी, अब आप ही बताइए, जब वो चपरासी आएगा तो उसके हाथ क्या भिजवाऊंगी, और जब वो शाम को आकर पूछेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी? सोच सोच कर मेरी तो जान निकली जा रही है। मैडम मैं स्कूल से आया हूँ साहब का खाना लेने। चाहे वो देख, खाना ले जाने के लिए प्यून आया है। अब वो बेचारी क्या करेगी, क्या पता, सुबह से देख रही हूँ उसने तो खाना बनाने की तैयारी की ही नहीं। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। लाइए। बाबू बाबू रुको। अरे 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 ये क्या कर रहे हैं आप, अजय साहब का खाना है। मालूम है, तू चुप रह। अरे ये तो खाली है। प्यारे पतिदेव नाराज मत होना, मगर सच यही है जो आप देख रहे हैं, मुझे खाना बनाना नहीं आता, आपकी नालायक पत्नी सरस्वती। सरस्वती, 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 सरस्वती डार्लिंग कहाँ हो तुम? सर क्या बात, तुम इतनी सहमी क्यों? Why are you so scared? मारी है मुझे, मेरे खाना पकाने के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे। सिर्फ मैं अकेला नहीं, पूरा स्टाफ ही समझ गया। वाह 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 वाह, क्या बिरयानी भिजवाई थी, सब लोग अपनी उंगलियां चाटते रह गए, जी चाहता तुम्हारे हाथ चूम लूं। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया, ये गजरा, ये साड़ी, अच्छी लगी जी? तो फिर चलें। कहाँ? बेडरूम, बेडरूम, बेडरूम। हम दोनों जो चाहे करेंगे।
मालगाड़ी, ये मालगाड़ी ड्राइवर मैं तेरा, थोड़ा रुक जा, थोड़ा रुक जा, रुक जा। डब्बे में तुम हम, ये प्यार अपना न होगा कम। एक डब्बे में बच्चे होंगे, एक डब्बे में तुम हम, ये प्यार अपना न होगा कम। गाड़ी ड्राइवर मैं तेरा, थोड़ा रुक जा, थोड़ा रुक जा। चालू करूंगा इंजन इसका, तू डरती है क्या? ये मालगाड़ी, ये मालगाड़ी, तू धक्का लगा, धक्का लगा रे, धक्का लगा। मैडम, अरे कल तुमने बहुत बड़ा काम किया। अगर होटल से खाना लेकर तुम साहब को ना खिलाते तो पता नहीं उनकी कितनी डांट सहनी पड़ती मुझे। ये खाने के पैसे भी हैं और तुम्हारा इनाम भी है। मैंने कुछ नहीं किया मैडम, ये खाना जया ने दिया था। किसने, क्या नाम बताया तुमने? जया। ये जया कौन है? वो कौन है ये जया? वो जो आपके पड़ोस में रहती है। पड़ोस में? तू? अरे स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा समझती है क्या अपने आपको? हैं? मेरे पति को खाना क्यों भिजवाया तूने? अरे तू होती कौन है मेरे पति को खाना भिजवाने वाली? वो मेरा पति है, मैं उसे खाना भेजूं ना भेजूं मेरी मर्जी। हमारे बीच में आने वाली तू कौन होती है? मेरा पति तुझे बहुत अच्छा लगता है क्या? अरे रहा नहीं जाता तो शादी क्यों नहीं कर लेती? पराए मर्दों पर नजरें क्यों डालती फिरती है? हैं? ए, तुम दोनों में से जया कौन है? हां? बोलती क्यों नहीं, कौन है जया? क्यों री चश्मिस, तूने मेरे पति को बिरयानी क्यों भिजवाई? हाँ, किससे पूछकर भिजवाई? बोलती क्यों नहीं, बोल। जी वो जया नहीं, इसलिए। ए छिपकली, बीच में बोली ना तो दूंगी खींच कर, ये जो दांत दिखाई देते ना सब बाहर आ जाएंगे। चल 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 यहाँ से चल। अब बोल, बहुत तरस आ गया था तुझे उन पर? उन्हें भूखा रहते देख नहीं सकती थी तू? हाँ? तूने क्या समझा था कि तू चुपचाप अपना खेल खेलती रहेगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? ए, इतनी ही आग लगी है तुझ में तो कहीं और जाकर बुझा। आज के बाद मेरे पति की तरफ आंख उठाकर देखा ना तो तेरी आंखें और तेरा चश्मा दोनों फोड़ के रख दूंगी, समझी? अगर तू ये समझती है कि मैं अनपढ़ हूँ और तू अपनी गिदर पिटर से मेरे पति को लुभा लेगी तो तू गलत समझती है, क्योंकि दूसरी बातों में मैं तुझसे बहुत आगे हूँ। सरस्वती, गुस्से में इंसान अपने काबू में नहीं रहता, तुमने ये बात साबित कर दी। अरे इतना लंबा चौड़ा भाषण सुना दिया बेचारी को, ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि उसकी गलती क्या है। अरे जानती भी हो कितना अच्छा दिल पाया है उसने। हाँ हाँ, आप तो तरफदारी करेंगी ही उसकी, आखिर किराएदार है आपकी और मैं कौन हूँ, एक पड़ोस वाली बस। सरस्वती, हद से ज्यादा। अब आपके बारे में मैं समझ चुकी हूँ,
उस दिन आपने मेरे गले में ये चेन इसलिए डाली थी ना कि वक्त आने पर मुझे बुरा भला कह सके। ये लीजिए आपकी चेन। सरस्वती तुम एक गलती और कर रही हो। हाँ मैं गलती कर रही हूँ, और वो आपकी चश्मिश, वो तो बहुत बड़े पुण्य का काम कर रही है ना। अपने बड़े बड़े डोरे मेरे पति पर डाल रही है। आज वो मेरे पति के साथ कर रही है, कल वो आपके पति के साथ भी कर सकती है। मगर आपके पति की तो उम्र हो चुकी है, इसलिए आपको तो कोई चिंता नहीं। मगर मेरे पति तो अभी जवान है, खूबसूरत है, और ऊपर से भोले भी है। उन्हें तो दुनिया की बुरी नजरों से बचाना पड़ेगा ना मुझे। सरस्वती तुम बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा बोलती जा रही हो। रहने दीजिए भाभी, मैंने भी आपकी बहुत इज्जत कर ली, आज के बाद आपकी शक्ल नहीं देखूंगी। ठहरो, जब जा ही रही हो तो ये चेन जिसकी है उसे वापस करती जाओ। क्या मतलब है आपका? ये चेन आपने ही तो मेरे गले में डाली थी। ये चेन हमने तुम्हारे गले में डाली जरूर थी, मगर ये हमारी नहीं है, जया की। उस दिन जब तुम ब्याह के आई थी ना तो सब तुम्हें अनाथ अनाथ कह रहे थे, जया से ये देखा नहीं गया। जानती हो क्या बोली? भाभी, औरत बड़ी उम्मीदों के साथ अपने पति के घर आती है, और पहले ही दिन उसके साथ कोई इस तरह का बर्ताव करे, ये ठीक नहीं है। इसका कोई नहीं है भाभी, इसीलिए आज से मैं उसे अपनी सगी बहन की तरह समझूंगी। ये उसे पहना दीजिए। हो गया सत्यानाश मुझसे, आग लगी मेरी जबान को, बिना सोचे समझे पता नहीं क्या क्या बोल गई। इसलिए लोग कहते हैं भाभी, इंसान का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी होता है। मैंने उस बेचारी का दिल दुखाया, उसका जो मुझे अपनी अपनी सगी बहन की तरह समझती है। ओ जया, जया, ओ जया, मेरी बहन मुझे माफ कर दे, मेरी मत मारी गई थी जो बिना सोचे समझे तुझे गलत समझ बैठी। मगर तुझे भी तो अपने मुंह से कुछ बोलना चाहिए था ना, मगर तू बोलती भी कैसे, मैंने तुझे बोलने का मौका ही कहां दिया। देख, अब मैं समझ गई तूने मेरे पति को खाना क्यों भिजवाया था, ताकि तेरी बड़ी बहन को गालियां ना पड़े। सुन, मेरे साथ बात नहीं करेगी क्या? नाराज है? देख इधर, तेरी दीदी तेरे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है, अपनी दीदी को माफ नहीं करेगी। एक शर्त पर। मुझे तेरी सारी शर्तें मंजूर हैं, तू बोल तो सही। एक हफ्ते के अंदर अंदर खाना बनाने के सारे तरीके तुम्हें सीखने पड़ेंगे। एक हफ्ते के अंदर? लेकिन मुझे सिखाएगा कौन? मैं। तू? लेकिन क्या मैं सीख पाऊंगी? वो सब तो मुझ पर छोड़ दो, नहीं सीख सकोगी हा? तो जीजा जी को खाना भिजवा भिजवा कर अपना बना लूंगी, मंजूर? मंजूर। जया, तुमने जो जो चीज बोली थी ना मैंने सब डाल दी। अब अगर सब्जी ठीक नहीं बनी तो इसमें मेरी गलती नहीं तुम्हारी गलती होगी। आप फिक्र मत कीजिए दीदी, सब्जी फर्स्ट क्लास बनेगी। अच्छा, जरा चख के तो बता। आप खुद ही चख लीजिए ना। तू चखना। ठीक है, गरम है। सुपर। थैंकू नहीं दीदी, थैंक यू। अरे वही तो बोल रही हूँ ना, थैंक यू। पता है मास्टर जी जब घर आएंगे तो क्या कहेंगे? कहेंगे कुछ नहीं दीदी, सीधा बेडरूम ले जाएंगे। बेशरम। जया की बच्ची। ये गलती बच्चे की है। बच्चे की गलती? अरे गलती आपकी है और आप बोलते बच्चे की गलती है। अरे देखिए बच्चे की टांग से खून निकल रहा है, इसे हॉस्पिटल। ओ बाबू साहब, अब माफ कर दो भाई। गाड़ी आप चला रहे हैं, नो एंट्री का बोर्ड नहीं दिखाई दिया आपको। भाई गलती हो गई, माफ कर दो। अरे काहे की कोई माफिया भी नहीं चलेगी, आपको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। क्यों टेढ़ा होता है भाई, छोटी सी बात है, माफ कर दे। आपको ये छोटी सी बात लगती है? अरे बच्चे की जान जा सकती थी, उसकी टांग टूट सकती, आपको छोटी सी बात लगती है? चलिए नीचे उतरिए। अरे नीचे उतरिए, आप नीचे उतरिए। हाँ?
आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ सर। तुम जाए तो संभालो, मैं आता हूँ। सर, एक तो एक्सीडेंट के ऊपर से लड़ाई झगड़े पे उतर आए, ये देखिए। ये क्या दादागिरी है? हाँ, एंट्री में कैसा आया तो? बोल दिया बाबू को, गलती हो गई, माफी मांग ली, अब क्या? अंदर क्या है? ए, अंदर क्या है? आम है। आम? सरस्वती, जल्दी से नाश्ता लाओ, बहुत भूख लगी है। ला रही हूँ। अरे ऐसा क्या बना रही हो जो इतनी देर कर रही हो? आज बहुत कुछ बनाया है मैंने, आलू के पराठे, हलवा, पूरी, चना। वाह वाह वाह, ये आपके लिए नहीं है? सिर्फ ऑमलेट मेरे लिए, बाकी सब किसके लिए? अपनी छोटी बहन के लिए। तुम्हारी छोटी बहन? वो कब पैदा हुई? अरे कल, जिसने मुझे बचाने के लिए अपना सर फुड़वा लिया था, वो जया। आप नाश्ता कीजिए, तब तक मैं उसे खिला कर आती हूँ। देख रही हो दादी माँ, धीरे धीरे वो लड़की मेरी बीवी से अपनी दोस्ती बढ़ा रही है। अब क्या करूँ, इस लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ आइडिया दो दादी माँ, कुछ आइडिया दो। अरे इतना क्या सोच रही हो दादी माँ, सोचने सोचने में तो तुम्हारे पोते का बसा बसा है घर उजड़ जाएगा। गुड मॉर्निंग अजय बाबू। बड़े हैंडसम दिखाई दे रहे हैं आज। क्या बात है शर्मा जी, आज बड़े अच्छे सुर में बात कर रहे हैं आप। वो क्या है, मेरे स्कूटर का पिछला टायर पंचर हो गया, इसलिए सोचा आज आपके साथ बैठ। ठहरिए, आपका पिछला टायर पंचर है लेकिन मेरी पिछली सीट पर सिर्फ औरत बैठ सकती है। कोई बात नहीं, मैं लिफ्ट के लिए औरत भी बन सकता हूँ। तुम ठहरो, मैं तुम्हारी भाभी की नायलॉन की साड़ी पहनकर आता हूँ। मैंने औरत की बात की है, छक्के की नहीं। क्या मतलब? मतलब ये शर्मा जी कि मेरी पिछली सीट पर सिर्फ मेरी औरत बैठ सकती है, ओनली माय वाइफ। आप बस में क्यों नहीं बैठ कर जाते? बस बस बस, मैं बस में बैठ कर जाऊं या खड़ा होकर जाऊं, मुझे आपके कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। मुझे भी पता है, एक रुपए का टिकट खर्च करूंगा तो बस में आराम से 10 औरतों के धक्के खाते हुए जाऊंगा। बड़े स्कूटर वाले, रुकिए तो जया को साथ लेते जाइए, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, अस्पताल छोड़ दीजिएगा। सरस्वती, मुझे वैसे ही देर हो रही है, ये ऑटो में बैठकर चली जाएगी। आप भी कमाल की बात करते हैं, अस्पताल रास्ते में ही तो है, छोड़ देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अब ये कहाँ ऑटो ढूंढेगी, चल बैठ जाए। लो अब इधर उधर क्या देख रहे हैं, अब देर नहीं हो रही है, जाइए। टाटा टाटा। ए, जरा ठीक से पकड़ के बैठना वरना गिर जाएगी। ठीक से बैठो, ठीक से बैठो। ठीक से ही तो बैठी हूँ। हाथ निकालो कमर से, हाथ निकालो। हाथ कैसे निकालूं, गिर जाऊंगी तो? ओह माय गॉड, रुकिए रुकिए, हम कहते हैं जरा रुकिए। अजय बाबू, इस रोमांटिक पोज में कैन यू गिव मी सम आइडिया, ये कौन है? वो क्या है? बस, सवाल का जवाब दीजिए, कौन है ये? वो क्या हो गया आपको, आप मुझे नहीं जानते? मैं तुमको जानता हूँ जया, पर तुम इनको नहीं जानती। जानती हो, अभी इन्होंने मुझसे क्या कहा? क्या कहा? यही कि स्कूटर की पिछली सीट पर ये सिर्फ अपनी पत्नी को बिठाते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये किसी और को नहीं बिठाते, ये इनका असूल है। अजय बाबू, अब आपका असूल क्या कहता है, जया आपकी पत्नी है या इसकी शक्ल देखकर आपने अपना असूल बदल दिया है? आप चुप क्यों है सर, जवाब दीजिए ना। तुम चुप रहो। देखिए शर्मा जी, बस वंडरफुल एक्टिंग बंद कीजिए, मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया है। वैसे हमारा कैलकुलेशन भी यही कहता है। जया, मंगलसूत्र मुबारक हो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, बाय बाय। Thank you.
बोला? निकल। हरामजादे, मैं तुझे तेरे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। तुझ जैसे देशद्रोही के हाथों अपने देश को बर्बाद नहीं होने दूंगा। राम सिंह, यस सर, जेठ वाले को रिलीव करो। ओके सर। पता नहीं सर, क्या मनहूस जमाना आ गया है। सर, कोई सोच सकता था हमारे देश में ऐसे भी दिन आएंगे? क्या बात है सर, ये टेलीग्राम किसका है? अपनी जया का। उसके पिता मिलिट्री में थे, टेररिस्ट को रोकते रोकते शहीद हो गए। उनकी हाई कमांड ने कहा कि जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता तब तक जया को यहीं रखा जाए, वहां न भेजा जाए। सर, वो वापस जाएगी भी कहां? उसका इस दुनिया में उसके पिता के अलावा कोई था भी नहीं। अरे शकुन, अरे मेरे बच्चे, अरे मेरे लाल। हम जरा जल्दी में हैं, पान किसी और से मंगवा लो। अरे पान नहीं चाहिए। हम तो तुमसे ये पूछ रहे थे कि हमारे इलाके में कोई अनाथ आश्रम है क्या? हाँ, आपको अनाथ आश्रम की जरूरत काहे को पड़ गई? घर छोड़कर वहाँ काहे जा रहे हो? मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, जया के लिए चाहिए। बेचारी अनाथ हो गई है ना, जब उसका बाप जिंदा था तो रेगुलरली किराया आता रहता था, लेकिन जब से उसकी छुट्टी हुई है मेरे किराए की भी छुट्टी हो गई है। इसलिए हमारा कैलकुलेशन कहता है कि बेचारी को अनाथ आश्रम में भर्ती करा दे, दूसरे अनाथों की कंपनी में कुछ रहेगी। तुम्हारा कैलकुलेशन क्या कहता है? हमारा कैलकुलेशन ये कहता है कि हम तुमको जितना कमीना समझते थे तुम उससे दुई कदम आगे हो। चुप रहिए और हाथ हटाइए। अरे ये दुख का समय जब वो बेचारी को तुम्हार मदद का जरूरत है, तुम कुछ रुपयों के लिए उसे अपने घर से निकाल रहे हो, अनाथ आश्रम भेज रहे हो। हम भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि तुम्हें जल्दी अनाथ बनाए और फिर हम तुमको लेके जाएंगे अनाथ आश्रम, जबरदस्ती कुत्ते की तरह पीटते हुए। शकुन, छोडूंगा नहीं मैं तुझको। तेरे को भी अनाथ ना बनाया तो मेरा नाम पानी पूरी नहीं। जया किसी अनाथ आश्रम में रहने जा रही है। किसी में क्यों, वहाँ क्यों नहीं जा? तुम थी वहाँ, तुम्हारी जान पहचान भी है, वो लोग ज्यादा ख्याल रखेंगे उसका। कैसे इंसान है आप? आपके सीने में दिल है या नहीं? एक ऐसी लड़की जो बचपन से आज तक रानियों की तरह रही है, अचानक पिता के मरने के बाद अनाथ हो गई, अनाथ आश्रम में रहने की बात कर रही है और आपके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। सरस्वती, दूसरों की मुसीबत हम अपने सर पर क्यों मोल लें? अजीब बात करते हैं आप। जया तो मेरी बहन जैसी है, मतलब आपकी साली जैसी हुई ना, और आप तो उसकी टीचर भी रह चुके हैं। हमारे घर में रहेगी, हमारे घर से ज्यादा अच्छी जगह उसके लिए और कौन सी हो सकती है बताइए? हमारे घर में एक तो कुंवारी लड़की, ऊपर से जवान भी, हमारे घर में कैसे रह सकती वो? मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से आप लोगों को कोई तकलीफ हो। सुना तुमने? अरे उसे भी हमारे घर में रहना पसंद नहीं है। उसको मनाना मेरा काम है, पहले आप बताइए, आपको तो कोई एतराज नहीं है? एतराज होगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत सारी वजह बतानी पड़ेंगी। मेरी तरफ से वो खुशी से रह सकती, मुझे क्या। थैंक यू। देखा जया तुम्हारे जीजा जी ने क्या कहा, चल अंदर। इस तरह फेंकने से क्या ये चलने लग जाएगा? उल्टा और खराब हो जाएगा ना। अरे मेरी किस्मत ही खराब है, कितने प्यार से ये कैसेट लाया था, सोचा था रात भर बैठकर गाना सुनूंगा, पर ये कैसेट प्लेयर ही नहीं चल रहा। मगर मैं भी हार नहीं मानूंगा, चाहे सारी रात बीत जाए, इसे ठीक करके मैं गाना सुनकर ही रहूंगा। क्यों जी, जो इसमें बजेगा वही गाना कहलाएगा? अगर मैं गाना गाऊंगी तो वो गाना नहीं होगा क्या? सरस्वती, ये क्या सुन रहा हूं मैं, तुम्हें गाना आता है? तो और क्या, मुझे तो यूं ही समझ रखा है। पता है जब हमारे आश्रम में कोई बड़ा आदमी आता था तो सब लोग मुझे ही गाने के लिए कहते थे। अच्छा? अरे इतनी बड़ी बात तुम सुहागरात के दिन ही बता देती, तो तुम्हारा कुछ जाता? आपने पूछा ही नहीं, मैं कैसे बताती। ओह करेक्ट करेक्ट, अब जो मुझे पता चल गया है
तो जल्दी से एक अच्छा सा गाना सुनाओ। सुनाओ? हाँ। अच्छा। क्या हुआ? दरवाजा खुला है। तो क्या हुआ? कोई बात नहीं। जया बाहर सोई है। मैं नहीं चाहती आपके सिवाय मेरा गाना कोई और सुने। हाँ, ये भी ठीक है। ठीक है, दरवाजा बंद करके आता हूँ। चलो अब सुनाओ। नहीं, मुझे शर्म आती है। अब किससे शर्म आ रही है? आपसे। अरे दूसरी बातों में तो शर्म नहीं आती, गाना गाने में शर्म आओगी। चलो गाओ। नहीं, आप मेरी शक्ल देखेंगे तो मुझसे गाना नहीं गाया जाएगा। आप उस तरफ मुंह करके बैठी है ना, तो फिर तुम्हें मैं गाते हुए देखूंगा कैसे? गाना देखा थोड़ी जाता है, गाना तो सुना जाता है। मुड़िए ना। अच्छा बाबा, ये लो। भगवान भगवान, ए दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। भगवान जी, आपको मेरा गाना पसंद नहीं आया? भगवान के लिए सो जाओ सरस्वती, मुझसे तुम्हारे ये दर्द भरे नाले सुने नहीं जाते, सो जाओ। जया, जब मैं अनाथ आश्रम में गाना गाकर सुनाती थी ना, तो लोग मेरी कितनी तारीफ करते थे, मगर कल रात मेरा गाना सुनते ही वो सो गए। हो सकता है उन्हें बहुत नींद आ रही हो। नहीं जया, आज सुबह भी ठीक से बात नहीं की उन्होंने मुझसे। मैं तुझे गाना गाकर सुनाती हूँ। हाँ, तू सच सच बताना मैंने कैसा गाया। ओके, ये पकड़। हाँ। ए दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। भगवान भगवान, आपका गला बहुत अच्छा है, लेकिन आपका गाना बहुत ही बकवास है। हा? कोई बात नहीं, जिस तरह मैंने आपको खाना बनाना सिखाया था ना, उसी तरह एक हफ्ते में आपको गाना गाना भी सिखा दूंगी। ओके? सच्ची? हाँ। ला 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 ला। क्यों हो गई? गाओ ना।
आंगन लगने लगा। कोई शिकायत तुझको न होगी, पूरे कर दूंगी सब अरमान। ले लो मेरा इम्तिहान, दे दूं मैं तुम पर जान। ओ प्यार की डोरी से बांध के रखेंगे, जाओगे अब तुम कहां। अरे सरस्वती, कहाँ हो तुम? जरा बाथरूम में आना, थोड़ा पीठ पर साबुन लगाना, मेरा पीठ पर हाथ नहीं पहुंच रहा। अरे सरस्वती, कहाँ हो? आओ ना। अरे सरस्वती आ गई तुम? अरे खड़ी क्यों? आओ ना, लगाओ ना साबुन। क्या कर रही हो तुम? ये तो कपड़े धोने का साबुन है, पीठ छिलोगी क्या? ये लो, ये लगाओ। बिजली का हाथ लगते ही जैसे बदन में बिजली सी दौड़ गई हो। सरस्वती, पहली रात को मैं थोड़ी चलबाजी कर गया था ना, पर डोंट वरी, अगले एतवार को छुट्टी है ना, तो मैं मगर सरस्वती, ये जया जब से घर में आई है ना, सारी छुट्टियों का मजा ही किरकिरा हो गया है। तुम कुछ ऐसा नहीं कर सकती कि अगले इतवार को किसी बहाने उसे दो चार घंटे के लिए घर से बाहर भेज दो? अरे सरस्वती, तुम चुप क्यों हो? क्या हुआ? आओ ना, आओ ना सरस्वती, सरस्वती आओ ना, आओ ना सरस्वती। किससे पूछकर तुम मेरे बाथरूम में घुसाई है? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे पीठ पर साबुन मलो? ये पसीना क्यों छूट रहा है? पसीना नहीं, पानी छूट रहा, मेरा नहा कर आ रहा हूँ ना। हमार पढ़ाई शुरू। चलो आज मैं तुम्हें ऑपोजिट सिखाऊंगा। डे का नाइट, ब्लैक व्हाइट, गर्ल बॉय, अगली पिछली। आई सेड अगली पिछली। आई सेड अगली पिछली। आउ, आउ। नेक्स्ट लेसन सही जवाब देना। हाँ। सर किस लिए बना है? जूते खाने के लिए।
आँख किस लिए बनी है? मारने के लिए। मुंह किस लिए बना है? हराम का माल चबाने के लिए। उंगली किस लिए बनी है? उंगली सबके सामने ना ही बता सका। अब तो हर लेसन खत्म, अब हमार प्रेम का लेसन वाला शुरू। आओ 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 सरस्वती। मास्टर जी सरस्वती, मैं आ गया हूँ डार्लिंग। सरस्वती ये क्या, आज इतनी जल्दी वापस आ गया? वाइफी 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 वाइफी, ये गजरा और ये जलेबी। क्या हुआ? 16, 17, 18, 19 को बीते हुए तो एक हफ्ता हो गया, अब क्या प्रॉब्लम है? आज मैंने मंगलवार का व्रत रखा है ना, इसलिए। तो फिर कल क्या था? देवी माँ का व्रत था। और परसों? संतोषी माँ का व्रत था मेरा। और हफ्ते में कुल 7 दिन होते हैं और तुम उनमें 17 लोगों के व्रत रखती हो। जल्दी ट्यूशन निपटा कर, कितनी उम्मीद लेकर आया था कि तुम, और तुमने सारी उम्मीद पर पानी फेर दिया। इतने नाराज क्यों होते हो? मैं कोई भागी थोड़ी जा रही हूँ, कल ले आना। कल मेरा कोई व्रत भी नहीं है। अरे कल की नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ। आज क्या करूँ, क्या करूँ इन जलेबी और गजरे का? लो फेंक दो चूल्हे में। गजरे और जलेबी को चूल्हे में क्यों फेंकते हैं? मुझे दे दो ना, मैंने कोई व्रत व्रत नहीं रखा है। सरस्वती सरस्वती, जरा पानी लाना सरस्वती। सरस्वती जरा खांसी की दवा लाना, ग्लाइकोडीन। ताप, 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 अरे ताप, अरे सरस्वती ताप, 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 कहाँ है ताप? ताप अब कुछ नहीं, मैं झूठ बोल रहा था। ताप? अरे सुनो, सच बात ही है सरस्वती, मुझे अकेले में नींद नहीं आती सरस्वती, मुझे बहुत डर लग रहा है सरस्वती। मैंने कहा ना आज नहीं। खड़ा है खड़ा है खड़ा है, खड़ा है खड़ा है खड़ा है, दर पे तेरे आशिक खड़ा है। खड़ा है खड़ा है खड़ा है, दर पे तेरे आशिक खड़ा है। खोल 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 दरवाजा खोल, बोल 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 प्यार के दो बोल। अरे खोल 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 दरवाजा खोल, बोल 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 अरे प्यार के दो बोल। खड़ा है खड़ा है खड़ा है, दर पे तेरे आशिक खड़ा है। लाल टीका दिल लगाने को दिल करता है,
आशिक खड़ा है, खोल 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 दरवाजा खोल, बोल 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 प्यार के दो बोल, खड़ा है खड़ा है खड़ा है दर पे तेरे आशिक खड़ा है। मैं तुम्हें अकेले में मिलना चाहता हूं, कल स्कूल के कंपाउंड के बाहर ठीक 3 बजे। हेलो कैप्टन, मैं भोला बोल रहा हूं। हां भोला कहो। छोटे की हालत बहुत खराब है, उसे यहां से निकालना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन 2 बातों का मुझे पता चला है। पहली, तुम्हारा भाई आज यहाँ एसटी स्कूल रूपनगर के टीचर अजय सक्सेना की वजह से गिरफ्तार हुआ, और दूसरी बात, उसने वो न्यूक्लियर बॉम्ब कहा। क्या खबर लगी न्यूक्लियर बॉम्ब? हेलो हेलो, जरा सोचो जया, सोचो। अगर उसे तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो कितना दुख पहुंचेगा उसे। जया, अगर सरस्वती के लिए तुम्हारे दिल में थोड़ा सा भी प्यार और मेरे लिए जरा से भी इज्जत हो तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, दूर चली जाओ हमारी जिंदगी से। तुम सरस्वती से कुछ भी कहो, कोई भी बहाना बनाओ, मगर चली जाओ। हाँ, ये बात सच है कि मैं कभी आपसे शादी करना चाहती थी, मगर ये भी बिल्कुल सच है कि जिस दिन आप दीदी को दुल्हन बनाकर अपने घर लाए थे, उसी दिन मैंने आपकी जिंदगी से निकल जाने का फैसला कर लिया था। और अगर दीदी से ना मिलती तो शायद अब तक चली भी गई होती, मगर उनसे मिलने के बाद ही मुझे पता चला कि आप मेरे कारण जल्दी में एक ऐसी औरत से शादी कराए हैं जो पूरी तरह आपके लायक नहीं है। आपकी पत्नी को खाना बनाने नहीं आता, गाना गाने नहीं आता, पढ़ना लिखना नहीं आता, ये सब जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। दिल के किसी कोने में अपने आप को गुनहगार समझने लगी, और उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं आपकी पत्नी को सब कुछ सिखाकर, आपके लायक एक काबिल पत्नी बनाकर, आप लोगों की जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। जया, जया, ये तुम क्या कह रही हो सर? हमेशा आपके साथ मजाक करती हूँ ना, शायद इसीलिए आज आप मेरे सच को मजाक समझ रहे हैं, मगर ये सच है, बिल्कुल सच है। मैं अपना काम पूरा कर चुकी हूँ और आज आपसे भी दूर जा रही हूँ।
तू अजय सक्सेना है? जी हाँ। मिलना तो तुझसे ही था, याद तो होगा, थोड़े वक्त पहले तूने एक बहुत बहादुर बागी को गिरफ्तार करवाया था। मैं उसका बड़ा भाई हूं, मेरी मुलाकात पहले भी हो चुकी है तुझसे, सब्जी मंडी में। मेरी गाड़ी के नीचे एक बच्चा आ गया, याद आया? तू वो पहला आदमी जिसने मेरे गिरेबान पर हाथ डाला था। तू वो पहला आदमी जिसकी वजह से हमारी बरसों की तपस्या पर पानी फिर गया है। तू वो पहला आदमी जिसकी वजह से हमारे मकसद में रुकावट आई है। तू ही वो आदमी है जिसकी वजह से मेरा भाई हमारे दुश्मनों के अड्डे में कैद है। तूने बहुत नुकसान पहुंचाया है हमें। अजय सक्सेना, खामोशी के बैठ जा हराम सभी। प्रिंसिपल के बच्चे, जा जाके अपने मंत्री को बोल दे, कल 12 बजे तक अगर मेरे भाई को सलामती से यहां नहीं पहुंचाया गया तो उसके बाद हर एक घंटे में एक बच्चे की लाश तोहफे में भेजूंगा। ऐसे ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम जंगी बागियों के लिए जिंदगी कोई मायने नहीं रखती। चाहो तो फौज भेजकर हम पर हमला करवा देना, मरते वक्त भी अगर ये बटन दबा दिया तो इस खूबसूरत इमारत के नीचे तमाम बच्चे दफन हो जाएंगे। समझ गया ना प्रिंसिपल के बच्चे? कोई तुम शायद जब स्कूल में थे तो तुम्हारे प्रिंसिपल ने तुमको सिखाया नहीं था क्या रुकने वाला सूरज एक दिन डूब जाया करता है, हर पैदा होने वाली जिंदगी एक दिन मर जाया करती है। हाँ, कुछ मासूमों को वक्त से पहले मौत आ जाती है, मगर जालिमों को भी मौत आती है, बहुत भयंकर मौत आती है। जैसे तुम्हें भी एक दिन मौत आएगी, ऐसी मौत आएगी कि तुम्हें अपनी मौत से नफरत हो जाएगी। बहुत जल्दी मौत आएगी तुमको, क्योंकि मौत तुम्हारी तलाश में निकल पड़ी है। नहीं, मेरे पति को कुछ नहीं हो सकता, मेरे अजय की जान खतरे में नहीं हो सकती। अगर मेरे पति को कुछ हो गया ना तो मैं यहीं तुम्हारी दहलीज पर सर पटक पटक कर जान दे दूंगी। बेटी, सरकार पूरी कोशिश कर रही है। अरे काहे की सरकार, किस बात की सरकार, ऐसे होती है सरकार। गरीब जनता आपको माई बाप समझती है, ऐसे होते हैं माँ बाप। दूसरों के बच्चे मौत के मुँह में फंसे हैं और आप यहाँ आकर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। बेटी, नहीं हेडमास्टर, अब हम कुछ नहीं सुनना चाहते। मुझे सिर्फ मेरा अजय चाहिए, मेरी बहन जया चाहिए, और कुछ नहीं सुनना चाहती मैं। और उनको कुछ हो गया ना तो आप देख लेना, बहुत बुरा होगा। बेटी तुम मेरी भी तो सुन, अजय सिर्फ तेरा पति है, मेरा कुछ नहीं है। बेटी, मेरा तो विद्यार्थी भी है, मेरा बेटा भी है,
मेरे तो डबल नुकसान है बेटी। ये मत रख बेटी, अच्छा ये मत रख, ये मत रख बेटी। सर ये जब ये आपके साथ हो रहा था ये आने वाले तूफान की एक अलामत है। अभी तो एक लड़की ने आपके दामन को झंझोड़ा, भी थोड़ी देर में तमाम बच्चों के माँ बाप आएंगे और आपसे सवाल कर करके आपके दामन को तार तार करके रख देंगे। कीजिए सर, कुछ कीजिए। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उन कुछ बच्चों की रिहाई के बदले अपने भाई की रिहाई मांगते हैं वो हमसे। तो कीजिए ना, इससे पहले आपने मजबूर शहरियों की जान बचाने के लिए कितनी बार आतंकवादियों की फरमाइशें पूरी की हैं। बच्चों की जान बचाने के लिए आप क्यों हिचकिचा रहे हैं? आप समझते क्यों नहीं, उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। हेलो, न्यूक्लियर बम कहां रखा है? कहां छुपा रखा है बम? तो क्या तेरा बाप भी बताएगा? चलो साले को अंदर। बोल, नहीं बोलेगा? अजय बोल रहा हूं। अजय? हाँ अजय, सुनो अजय। हाँ, मैं बोल रहा हूं। सर क्या फैसला किया आप लोगों ने? क्या सोचा बच्चों के बारे में? इस पागल के भाई को रिहा करें कि नहीं? अजय पहले मेरी बात सुनो, उस पागल का भाई मर चुका है। सर इसके बारे में अगर कप्तान को पता चलेगा तो क्या होगा इन बच्चों का? कौन बचाएगा इन बच्चों को? गुरुदेवम माता पिता, इस संसार में गुरु का नाम भगवान और माता पिता से पहले लिया जाता है। इस संसार में गुरु का रुतबा भगवान और माता पिता से भी ऊंचा है, और आज तुमको वही साबित करना है कि तुम इन बच्चों के माता पिता भी हो, तुम इन बच्चों के गुरु भी हो। माय सन, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट माय सन। क्या हुआ सर, क्या कहा प्रिंसिपल साहब ने? शरारतें करने के लिए। शरारतें? हाँ जी, लेकिन मेरे अंदाज में। क्या हुआ जया? क्या हुआ इसे? क्या हुआ? पंप 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 पानी करो इसके। कैप्टन, एक लड़के की तबीयत अचानक खराब हो गई है, सारे बच्चे उसे घेर के खड़े हैं, जल्दी चलिए। इसे सीवियर अस्थमा का अटैक हुआ, इसे अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी है। ये अस्थमा की मरीज, आप स्कूल के रिकॉर्ड्स देख लीजिए। Oh, my God.
एंटीना। हाँ उधर से। हाँ वो ग्रे कलर का वो बॉक्स खोल। क्या करूं? अरे बॉक्स संभाल के खोल, आगे से खोलना। संभाल के दीदी दीदी अब क्या करूं? अभी से वहां से रेडियो ला। अभी रेडियो में सब ब्लू चिप निकाल, बॉक्स में से रेड वाली चिप उसमें रेडियो में डाल, इसमें की चिप उसमें डालो। रुक रुक नहीं, ब्लू वाली। हाँ रेड रेड वाली, रेड रेड वाली, रेड वाली उसमें रेडियो में डाल और ब्लू वाली उसमें बॉक्स में डाल। काफी ठीक हूं, भगवान का शुक्र है। उठो जया, उठो। कहता है बच्चों का पलड़ा भारी हो चुका है। हराम का बहुत मोटा हो गया, चल भीतर को संडास खाने में चल चल। Thank you.
तुम ठीक हो ना जया? मैं ठीक हूं। अजय, अजय, आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूं। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आप ठीक तो हैं ना? जया, 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 तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। हाँ सर, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आपसे दूर थोड़ी जा रही हूं, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, क्योंकि दीदी जब खाना पकाएगी तो उसके स्वाद में मैं मौजूद रहूंगी। जया, दीदी जब गाना गाएगी उसके सुरों के संग मेरे सुर भी मिलकर गुनगुनाएंगे, दीदी जब भी कुछ लिखेगी ना उसके अक्षरों में मैं दिखाई दूंगी। जया, जया, जया मेरी बहन, सुनिए सुनिए, जया को ये मंगलसूत्र पहना दीजिए। ये क्या सरस्वती? आप क्या समझते हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम। जिस दिन इसके बिस्तर की सफाई करते वक्त मुझे इसका ये मंगलसूत्र मिला, उस दिन मुझे सब कुछ पता चल गया। अगर आज आपने इसकी इच्छा पूरी नहीं की तो इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पहना दीजिए। नहीं दीदी, इंसान मरता है मगर उसकी आत्मा नहीं मरती, और उस आत्मा में इतनी शक्ति होती है कि वो दोबारा अपने मन चाहे गर्भ में जन्म ले सकती है। मैं बहुत जल्द आप ही के घर जन्म लूंगी सर। दीदी की कोख से जन्म लेकर। ओके दीदी, जया, ओके सर, आई विल कम सून। जया, जया, विल, जया।